प्रभुपाद के समाधि मंदिर, सन रंग स्वामी का प्रभुपाद के समाधि मंदिर में हम लेके जाएंगे, वहाँ का कथा सुनाएंगे। देखते रहिए विद्यालंकर वाणी लाइव ऑन। Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
से भगवान। देखिए हम विग्रह कालिया दह जो विग्रह है उस विग्रह को भी दिखाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा सा गौ माता है यहाँ पे हमारा महाराज जी लोग अभी हम जा रहे हैं श्रीपाद प्रवर्धन सर से क्या प्रभुपाद का समाधि स्थल में। आप लोगों से देखते रहिए, लाइव में जारी रहिए, पूरा दिन बहुत सारा दर्शन कर रहे हैं विद्यालय कर पानी लाइव में। जय ध्वनि देना चाहते हैं, जय देना चाहते हैं तो करते रहिए लाइक नॉन स्टॉप। वही कदम का पेड़ है जहां से ठाकुर जी छलंग लगाए थे किसर कृष्ण का ऊपर, वही पेड़ है। इस पेड़ का नजदीक जाके दर्शन करवाएंगे। और जय धनिया अगर देना चाहते हैं तो लाइक में कैसे दिया जाता है, जय धनिया आप लोगों को पता है, लाइक करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए विद्यालंग करवानी लाइव ऑन। I don't have any stools. हमारा कीर्तन ही अभी आ चुका है, जिसका कीर्तन सुनने के लिए आप लोग तरस रहे हैं वो हरि प्रभु आ चुका है, सुनेगा जरूर सुनाएगा यहाँ पे। आपको पता है कि श्री भक्ति वेदांत सिद्धर महाराज जी बहुत अच्छे कीर्तन करते हैं। अभी नितय प्रभु कुछ बताएगा उस कीर्तन के बारे में। नितय प्रभु कौन सा कीर्तन है वो यहाँ का थोड़ा बता दीजिए। तांडव नृत्य, तांडव नृत्य, कैसे तांडव नृत्य किए थे भगवान ने वो सब कहानी बताएंगे, देखते रहिए लाइव। हाँ महाराज जी जरूर आप लोगों को तांडव नृत्य सुनाएंगे, तांडव नृत्य का भजन जरूर सुनाएंगे, आप लोग सब देखते रहिए। लोग लिख रहे हैं कि तांडव नृत्य सुनाएंगे। जी यही है उपेक्ष, वही है परिक्रमा करते हैं। अभी प्रभु जी कुछ कमेंट करना चाहिए? नहीं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, प्रभु जी करेंगे। पर ये वो वृक्ष है जिससे ठाकुर जी ने कालिदेव को मारने के लिए यमुना जी में बहुत जोर छलांग लगाई थी और उसके घमंड को नाश करके उसको जिंदा छोड़ दिया था। जी यही वही वृक्ष है, वही कदम लगते रहे ठाकुर जी बहुत सारे छलांग लगाए थे। अभी हम यहां पे सेल्फी ठोकेंगे, अगर आप लोग सब टूटना चाहते तो करते रहिए लाइव। Thank you.
Thank you.
मैं जानता हूँ बड़ा बड़ा चला गया है। अरे हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में जिस स्थान पर आए हुए हैं, इधर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा प्रबोधानंद सरस्वती के भजन कुटी एवं समाधि मंदिर, उधर हम लोग दर्शन करके प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए इधर आके बैठे। पास में जो गुम्बद के अंदर मंदिर देखा, ये कालिय मर्दनकारी कृष्ण, तो कृष्ण कालिय के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं। और ये कदम का पेड़ देखा, ये कृष्ण के लीला के समय से ही वर्तमान है। इस स्थान के महिमा के संबंध ये प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में श्री वन महाराज जी एवं कालिय के बारे में श्रीधर महाराज जी बोलेंगे। सबसे पहले वन महाराज बंद कर जगह नहीं बंद कर दिया चंद्राय राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकृतश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वधाम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिवमंग श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री बामन श्री महाराज की चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कड़ी दष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभीयुग चरण कमल में मेरा यथा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार कर। हम लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते मथुरा के अंतर्गत हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह स्थान है कालियाद और निकट में जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के भजन कुटी तथा समाधि स्थल है। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की तरफ रवाना हुए और दक्षिण देश भ्रमण करते हुए सर्वत्र प्रेम धर्म प्रचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु श्री वेंकट में पहुंचे और वहां पर विग्रह के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य आदि करने लगे और उस समय महाप्रभु के ऐसे उद्दंड नृत्य आदि देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके उसी समय जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी और उनके चाचा प्रबोधानंद सरस्वती पाद वेंकट भट्ट त्रिमल्ल भट्ट भट्ट परिवार जो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे महाप्रभु के ऐसे दिव्य मूर्ति और नाम संकीर्तन देख करके वो लोग बहुत प्रभावित हुए और इसके पश्चात वे लोग चैतन्य महाप्रभु के जाए अपने घर में निमंत्रण किया
चैतन्य महाप्रभु उनकी घर में 4 महीने काल रहे, क्योंकि उस समय चातुर्मास आ गया, बरसात काल होने के नाते संत महात्मा भ्रमण नहीं करते थे उस समय के बाद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण स्वीकार करके उनकी घर में 4 महीने काल तक विराजमान रहे, और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और मैं पर गए, और उनके साथ जो मिले चैतन्य महाप्रभु, विशेष करके रायनंद के साथ जो कथा हुई, वार्तालाप हुई, जिसे कहा जाए रायनंद संवाद, उस रायनंद संवाद की कथा जो चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के श्रवण कराया, विशेष करके राधा आदि गोपियों के प्रेम महात्मा श्रवण कराया, और राधा जी के ऐसे प्रेम महात्मा श्रवण करके वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यंत अनुरक्त हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय छोटा बालक थे, नित्य प्रत गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के चरण सेवा आदि करते थे, यहाँ तक भी कहते थे ये प्रभु आपके साथ मैं ही जगन्नाथपुरी चले जाऊं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम्हारे माता पिता वैष्णव है, वैष्णव के सेवा करो, जब तुम्हारे माता पिता देहांतर हो जाएंगे तब तुम मेरे साथ, तब तुम वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के पास रहना। इसी प्रकार महाप्रभु गोपाल भट्ट के बोले, और विशेष करके नित्य प्रतः ऐसे भागवत की कथा जो है श्रवण कराया, विशेष करके रासलीला आदि श्रवण करके सब मुग्ध हो गए, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं जितने भी कृष्ण के लीला है सर्वश्रेष्ठ लीला कहा जाता है रासलीला। जय जो चलो रास सर्वरास सार प्रचार, जितने भी की रस माधुर्य है सब रस माधुर्य रास में ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार समस्त प्रकार के नदियां समुद्र में सम्मिलित होकर के समुद्र के सौंदर्य माधुर्य और जैसे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकार के रस मनो रास में सन्निहित होकर के उसम रस माधुर्य के बढ़ाया। इस प्रकार राधा आदि गोपियों के साथ वो रास कथा की श्रवण करके एक दिन चैतन्य महाप्रभु हास परिहास करते हैं, क्योंकि चैतन्य को 4 महीने रहे, जो 4 महीने रहने के नाते उनके साथ ऐसे माने मिल गया, हिल मिल गए, इसलिए वो लोग महाप्रभु उनके साथ भी हास परिहास करने लगे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, कठोर सन्यास धर्म के पालन करते थे, किंतु तथापि 4 महीने रहने के बाद उनके साथ लौकिक साधु प्रीति होने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहने लगे ये देखो, ये तुम्हारे लक्ष्मी जो है, तुम्हारे आराध्य देव लक्ष्मी और हमारे इष्ट देव कृष्ण गोचारक है, माने गोचारण करने वाले हैं। अच्छा ये बात बताओ, लक्ष्मी जो है सती सत्ता पतिव्रता नारी है, और हमारे कृष्ण गोचारक माने गोचारण करने वाले हैं, चरवाहक है, और भी क्या है, कृष्ण जो है ग्वाला है, और तुम्हारे लक्ष्मी जो है वो ब्राह्मणी है, तो ये बात बताओ ये लोग कृष्ण के प्रति इतने क्यों प्रेम प्रति रखते हैं, ये तुम्हें बताओ तुम लोग जो तुम्हारे जो इष्ट देव है लक्ष्मी नारायण, किंतु ये क्यों लक्ष्मी सती साधी नारी हो करके भी कृष्ण के प्रति इतने आसक्ति क्यों रखते हैं, ये तो ठीक नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु जब ऐसे हास परिहास करने लगे, तब उस समय कहने लगे ये प्रभु हास परिहास क्यों कर रहे हैं, हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं, देखो सिद्धांत सत्य वेद शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अर्थात नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तत्व विचार एक ही परमेश्वर एकमेव अद्वितीय, सूत्र के वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान एक ही है, और लीला विलास के लिए अनेक स्वरूप प्रकाश आदि करते हैं, इसलिए लक्ष्मी एक नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इधर हास परिहास करते इससे लक्ष्मी देवी के कोई सदित्व नष्ट नहीं होता है। तो महाप्रभु कहने अच्छा बात बताओ, बात तो सही बात बताया, किंतु लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेलवन में तपस्या कर रही है कृष्ण की रात ब्रजगोपियों की रासलीला में प्रवेश करने के लिए। देखो चैतन्य महाप्रभु संग उदाहरण दिया,
शास्त्र में प्रमाण भी है। एक समय की कथा है, महापुरुष से कथा सुना है। एक समय जो है नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंचे और पहुंच करके वहीं पर गोपियों की रास कथा की वर्णन किया, कृष्ण की सुंदर जो माधुर्य आदि प्रकाश किया। सुन करके लक्ष्मण के हृदय में लालसा जगी गोपियों की वह रास में प्रवेश करने के लिए। फिर कहने लगे कैसे प्रवेश करें, बड़ी कठोर तपस्या करो। हजारों साल तक लक्ष्मण जी कठोर तपस्या करने लगी। उसके पश्चात कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण कहने लक्ष्मी कहने लक्ष्मी परमपुरी परमाऊ। लक्ष्मी जी कहने लगे आप मुझे ये गोपियों की भांति रास में प्रवेश अधिकार दिए। कृष्ण कहने लगे ये संभव नहीं है, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो ये एकमात्र रास में प्रवेश अधिकार है गोपी, गोपी बिना नहीं, गोपी छोड़कर के कोई प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? बोले क्यों? कारण क्या है? गोपी में विशेष क्या है? तब कृष्ण कहने लगे देखो रास में प्रवेश करने के लिए गोपी शरीर जरूरत है, तुम्हारे लक्ष्मी शरीर के द्वारा रास में प्रवेश नहीं कर सकते। वास्तव रूप में जो है गोपी कृष्ण कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्न ना करे अंगीकार। कृष्ण गोप जाति है, गोपी बिना अन्न किसी को जो है वो शिकार नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्मी बोले लक्ष्मी के बोले तुम ये जो है तुम्हें ब्राह्मण विमान छोड़ करके गोप गृह में जन्म ग्रहण करो और गोपी शरीर प्राप्त करो और नित्य सिद्धा गोपियां विश करके राधा आदि गोपियों की संग प्राप्त करने पड़े और राधा आदि गोपियों के संग के तुम्हारे साथ क्या होगा ना अनुराग कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। वास्तव रूप में ये शास्त्र के तात्पर्य है नित्य सिद्धा गोपियां के साथ संग करने पर हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है। वो अनुराग के दो लक्षण हमारे उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद बताए। एक कहते परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के साथ अथा प्रिय प्रियतम, ऐसे स्नेह के द्वारा बंधन बंध जाते हैं, ये कभी छोड़ते नहीं है। और दूसरी जो है दर्शन है अतृप्तता, मैंने कृष्ण के ऐसे सुंदर जो माधुर जो दर्शन करके उनके कभी परितृप्त नहीं होता है और चाहते हैं चातक पक्षी के भांति और भी दर्शन करे और भी दर्शन करे। इसलिए कहते हैं जब तक गोपी शरीर प्राप्त नहीं करे इसके संभव नहीं है ये रास में प्रवेश करना। लक्ष्मी बोले तो हम गोपी शरीर कैसे प्राप्त कर, हम ब्राह्मण ही है गोपी शरीर। गोपियां तो क्या करती है, गोपीरा गोपियां क्या करती है देखो गोबर लेकर के कंडा कंडा देती है, थपथपाती है और लक्ष्मी बोली हम कैसे कंडा कैसे देंगे, हम वो नहीं कर सकते। बोले ये भी नहीं है, देखो गोपी शरीर प्राप्त भी कर ले तब भी नहीं होगा, फिर दूसरी क्या है दूसरे गोपों के साथ विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मी बोले ये भी संभव नहीं है, हमारे साथ पति जो है एकमात्र नारायण अपने पति के छोड़ करके दूसरे गोप जाति और गोप के साथ हम कैसे विवाह कर ले। कृष्ण कहते हैं ये भी नहीं है, और भी सुनो और भी क्या है। गोप के साथ विवाह करने के पश्चात फिर पार्वती अभाव मैंने लुके छुपी करके कृष्ण के साथ तुम्हारे प्रेम प्रति होगा। उस कथा सुन करके लक्ष्मी कहने वाले ये तो मेरा कभी संभव नहीं है। तब उसमें कृष्ण कहने लगे गोपिक शरीर और ये परज्ञात भाव नहीं हो तो राम में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस प्रकार महाप्रभु इस कथा को सुनाया ये देखो श्रुतियां तो प्राप्त कर लिया किंतु लक्ष्मी की प्राप्त नहीं किया, इसी कारण था। और इस कथा को सुन करके वो लोग अत्यंत प्रभावित हुए। वास्तव रूप में देखा जो कृष्ण की सर्वोत्तम जो लीला है रासलीला, जब तक जीव रासलीला में प्रवेश नहीं करे तब तक जीवों की परम अभीष्ट प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी कथा को सुनाया चैतन्य महाप्रभु, उनके सब कथा सुनाया और सुनाने के पश्चात देखो ये तीनों जो है लक्ष्मी नारायण के पास थे और उपासना के छोड़ करके फिर राधा कृष्ण की उपासना आदि करने लगे और उसी कथा को विशेष करके उस समय जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद अत्यंत वेदांत के भी दिग्ध भी थे, शास्त्र ज्ञान समस्त प्रकार के विद्वान भी थे और उस समय प्रबोधानंद सरस्वती पाद उन्होंने क्या की ना लक्ष्मी नारायण की उपासना छोड़ करके राधा कृष्ण की उपासना करके सर्वत्र भजन करने लगे और भजन करते ही वृंदावन में यहाँ पर आके रहने लगे। यहाँ पर जो आप लोग उनके भजन कुटीर और उनके समाधि स्थल आप लोग
आनंद सरस्वती पाद अनेक ग्रंथ आदि रचना की, जो गौड़िया वैष्णव के अत्यंत अमूल्य प्रेम धन निधि कहा जाता है। यहाँ तक भी जिसको देखो जिस ग्रंथ के लेकर के भी विभिन्न संप्रदाय में अभी तक भी झगड़ा होते हैं, वो कौन सा ग्रंथ है? राधा रस सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि। ऐसे सुंदर अमूल्य ग्रंथ है जिसमें केवल रस रस ही भरा हुआ है। राधा जी के ऐसे सुंदर चरण महिमा आदि वर्णन किया गया वो राधा रस सुधा निधि, उस राधा रस सुधा निधि की निधि के उन्होंने रचना की। और उन्होंने भी इसमें ग्रंथ में लिखा, यद्यपि प्रबोधानंद सरस्वती पद राधा कृष्ण के नित्य लीला में तुंग विद्या सखी थी, और वही तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती पद होकर के देखो राधा रस सुधा निधि के शुद्ध में प्रीफेस श्लोक में दो चार श्लोक में कहा अपने के दिनोता हीनोता प्रकाश की। उनके जो ब्रह्म सुख नाथ की सौलक्षी राधा की तनुषा पुरुष सद्यो अनंत सत्य तंग्रादि का चंद्रेणु अनुस्मरामि। बोले देखो ब्रह्मा शिवादी बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल के ध्यान करके अर्थात कृष्ण के चरण कमल के ध्यान करके अपने हृदय में कभी प्रकाशित करते हैं कभी प्रकाशित नहीं भी करते हैं, वही परात्पर परतत्व कृष्ण आज राधा जी के कृपा प्राप्ति करने के लिए ना जाने कैसे कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, जिसमें हमारे शास्त्र के लिखते हैं कृष्ण और राधा जी की प्रसन्नता करने के लिए बार राधा जी के साथ मिलने के लिए त्रिसंध्या जो है राधा कुंड में स्नान आदि करते हैं और ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। बोले ऐसे राधा जी क्या करती है ना, केवल अपने कटाक्ष पाद के द्वारा भ्रुभंगी के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं वशीभूत कर लेता वेणु कारण्य पति राम जिनकी भ्रुकटाक्ष से प्रातर परतत्व संग भगवान कृष्ण ब्रह्मा आदि देवता की जो आराध्य त्रिधस को कहा जाता है वही क्या करते हैं ना राधा जी की कटाक्ष पाद के द्वारा क्या होता है उनके हृदय शरीर क्या होता है कंपन हो जाता है कपते रहते हैं, उनके हाथ से बंसी गिर जाते हैं, उनके पीताम्बर जो है धीरे धीरे खिसक करके नीचे गिर जाते हैं, अंत में कृष्ण मूर्छित होकर के पड़े जाते हैं। ऐसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखे हैं जो राधा जी के महिमा कौन वर्णन करे। यह तक भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं जत्कन पुरुष बहुत खोलू का वाणी नित्यम पर सब पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदा सुनिधे विषभानु जाया तत्कलि कुंज भवनांग मार्जनी श्याम। जब राधा जी मानवती हो जाती है राधा जी के मान मनाने के लिए स्वयं कृष्ण क्या करते हैं और राधा जी के कुंज के द्वार पर आकर के खड़ी होकर के वह पर राधा जी के दस्य के निकट प्रार्थना करते रहते हैं। केवल प्रार्थना नहीं है, कान पकड़ करके नाक रगड़ते हुए बार बार विनती करते रहते हैं राधा जी के साथ मिलने के लिए, तथापि राधा जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। और इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं, इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं राधा तत्व दुष्टज है, ये दुष्प्राप्य है, जिसके प्राप्त मिलना इतने कठिन है। उसने प्रबोधानंद सरस्वती इसके आगे वर्णन करते जा रहे हैं ये राधा जी के कैसे सुंदर महिमा जो है सप्त सिंधुवती राधिका और अनेक कथा जो है राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में लिखा है। और हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु की प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने एक श्लोक लिखा यदि यदि हरि क्या श्लोक अरे अरे जिसके जो है किसके यदि राधा कृष्ण के प्रेम में विहार करना है तो पहले अरे सब उल्टा पुल्टा कर दी तो नंबर तीन शतकम के श्लोक है हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं आराधितो नवनम वृंदावते नराधितो नवनम वृंदावने मधुरे आराधितो द्विजसुत वरुणागर सत्ते आराधितो नराधितो ब्रज नराधितो द्विजसुत ब्रजसुत नतवैह कृष्ण आराधितो नवमन जिन लोग ने नवमन ने नवद्वीप धाम को आश्रय किया वही लोग केवल वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। टिकट लेकर के आ गया किंतु वृंदावन में कहां प्रवेश करूं, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए मैं बार बार कहता हूं गुरुदेव भी कहते थे
कहाँ जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा गो भाई, ऐसे नहीं दिल्ली से आ गया कार घुसा दिया, नहीं होगा भाई, वो जितने भी करते रहे मथुरा जाना पड़ेगा और मथुरा में जाकर के विश्राम घाट में आचमन करो और मथुरा देवी के ही कृपा लो, तब तो वृंदावन प्रवेश करते हैं हमारे, हम नहीं करें रंग मंजरी सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया मातृ ब्राह्मण के कथा प्रसंग में, समझ में आ कि नहीं, इसलिए पहले मथुरा जाओ, मथुरा में जाकर मथुरा परिक्रमा करो, कितने लोग मथुरा परिक्रमा किया हाथ उठाइए, दो चार किया देखो, होगा सती थोड़ी होगा, गोपी बन गया, गोपी गोपी बन गया, कुछ नहीं हुआ, बेकार की बात है, 50 साल पहले बेकार चला गया, इसलिए मथुरा जाओ, मथुरा परिक्रमा करो, वास्तव में सत्य है, मथुरा परिक्रमा करो कीर्तन होना चाहिए, ये प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पर भजन करते थे, 2 सेकंड में बल देता हूँ, उनके शिष्य जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य ही धरी, एक दिन एकादशी के दिन पान चिबा करके आ गए, और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी करे बेटा तुम क्या आज एकादशी आज निर्जल रखना चाहिए था, तू कहा राम मंदिर में चले गए राधा रानी के मंदिर में और राधा जी के प्रसाद मिल गया, क्या प्रसाद मिला बेटा, आज पान प्रसाद मिल गया, गोपाल भट्ट अधिक जो है मिलते नहीं रहे, क्योंकि भाई समाज संप्रदाय संरक्षण करने के लिए ये जरूरी है, एक व्यक्ति अपराध करे और उसके अपराध के हम कहते हैं स्नेह से कहते हैं तो हमारे पास रह जाए तो सब लोग ऐसे करेंगे, इसलिए आज आज तक भी ऐसे संप्रदाय है वो भी क्या करते हैं एकादशी नहीं करते, देखो महापुरुष के सूक्ष्म विचार और महापुरुष के गण के इतने सूक्ष्म विचार है, बोले नहीं ऐसे ऐसे कथा अनेक कथा है किंतु वास्तव सत्य है, सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए एकादशी के दिन किसी प्रकार से जो है कोई ऐसे अन्न अथवा पान भी लेना नहीं चाहिए, भगवत प्रसाद भी हो जाए लेना भी नहीं चाहिए, ये प्रबोधानंद के दिव्य स्थान है, प्रबोधानंद के स्थान है और ये कालिया दह काली की कथा महाराज जी बताएंगे, बहुत सुंदर कथाएं हैं, इसलिए यहीं पर आप अपने भक्तों को मैं विराम देता हूँ, वंशा कृपा सिंधु पावने भो वैष्णवी हरे कृष्णा बोल हरे कृष्णा, आप लोगों ने बोल हरे कृष्णा, श्री महाराज जी से ये श्रवण किया है, काल से उमा दीदी हम लोग को डांट रही है, हाँ तीर्थों से इतना देर में परिक्रमा निकलता क्या कर रहे हैं, आज भी मुझे डांटा फोन में, उमा दीदी भूल गई किस साल में कोरोना है, पहले कोरोना नहीं था और उमा दीदी कोरोना भी नहीं कर रही है, दूसरी बात है या तो
समाज गए नहीं, हमारा मेरा हाथ पर बांध करके बीच समुद्र में गिरा के चले गए। जब भगवत मिलन उसे इतना लड़ाई करूंगे ना, आप देखते रहना। इधर स्थान के महिमा कालिया दह का या हमारे श्रीधर महाराज बोलेंगे और पपम पपम नृत्य दिखाएंगे। कॉमेंट टंडन का मुंडे हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि जोर से बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ हरे कृष्ण। बोले ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी जो प्रबोधानंद के बारे में सुन रहे थे उनके श्लोक है। बोले राधा कराब चित पल्लव बल्लरी के। उनका जो श्लोक है ना वो अद्भुत श्लोक है। उसमें क्या छंद और उसमें क्या मिठता और उसमें जो मधुरता है ना कहीं भी नहीं। देखो क्या श्लोक उन्होंने बोला है। बोले राधा कराब चित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक बिलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलि के राधा बिहार विपिनम रमतांग मनो में। उनका श्लोक है। पर दूसरे श्लोक में कहते हैं जैसे सप्त समुद्र है उसलिए राधा रानी के अंदर में भी ये सारे समुद्र है। बोले क्या है? बोले वैदग्ध सिंधु रनुराईक सिंधु लावण्य सिंधु रति सांद्र कृपाईक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति कैल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदिके ले सिंधु। ये सारे सिंधु श्री राधा रानी के अंदर में विद्यमान है। इसलिए गुरुदेव प्रबोधानंद के बारे में एक अच्छी बात कहते थे। यहाँ पर श्री बिल्लो मंगल भी यहीं पर भजन किया है। बिल्लो मंगल लेकिन इन्होंने किसने जी स्मरण कर लो खंडन बोले। हाँ जब गुरुदेव कहते थे श्री जयदेव गोस्वामी इनके अंदर भेद दिखाते थे गुरुदेव। हमारे संप्रदाय में श्री प्रबोधानंद सरस्वती का क्या महत्व है क्योंकि ये कृष्ण लीला में तुंग विद्या है। तुंग विद्या सखी है इसलिए उनकी गुरुदेव महत्व कहते थे। बोले श्री कवि जयदेव गोस्वामी कहते स्मर गरल खंडनम मम सिरसी मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। जब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा कैसे श्री राधा रानी मान की हुई और श्री श्याम सुंदर मनात मनाते जब राधा रानी की मान नहीं टूट रहा था लास्ट में श्याम सुंदर क्या बोले हे राधे इतने तुमने क्यों मान किए है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं अपना मयूर मुकुट उतार करके राधा जी की चरण में रख देते। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण एक नटराज कृष्ण नटभर है। जितने सारे नृत्य विद्या में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए मयूर का नृत्य आप लोगों देखा हो कितने सुंदर मयूर थिरक थिरक कर नृत्य करता है। इसलिए कृष्ण मयूर पंख लगाते हैं कहते सबसे बड़े सुंदर नाचने वाला मैं हूँ। इसलिए श्याम सुंदर अपना सारे नृत्य विद्या को श्री राधा रानी के चरण में रख लेते हैं लेकिन तभी राधा रानी मानती नहीं। फिर कृष्ण क्या करते हैं अपना जो बंसुरी को क्योंकि कृष्ण विश्व ब्रह्मांड को बंसी को द्वारा ही विश्व ब्रह्मांड सा कर से मुरली कलकुजित। कृष्ण जब बंसी ध्वनि की क्या चमत्कारिता जहां पर चतुर्सन का बुद्धि भी विचलित हो जाता है ब्रह्मा का श्री अनंत देव का सिर भी हिलने लग जाती है ऐसे बंसी ध्वनि। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये बंसी को द्वारा सारा दुनिया को मैं मुग्ध करता हूँ हे राधे ये बंसी ध्वनि का सारे करामती तेरी चरण में। लेकिन तब भी राधा रानी नहीं मानती है इसलिए कृष्ण लास्ट में अपना नाम को भी श्री किशोर जी के चरण में लिख देते हैं भैया मेरे नाम भी इसमें धन्य हो जाए। लेकिन जब उन्होंने
कभी जयदेव ने ये चीज को देखा है ना, उनका हाथ कंपने लग गया। कहते मैं कैसे ये चीज लिखूं, दही पद पल्लव मुदारम, हे राधे तुम्हारी उदार चरण को मेरे सर पर रखो, कैसे मैं बोलूं। वो लिख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पेन को रख दिया। और इतने में कृष्ण स्वयं पीछे आए और आकर के बोले, पद्मा एक पद याद आ गया, कापी दे दो। जो कापी दिया, कृष्ण स्वयं स्वर्ण अक्षर में उसको लिख कर गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जो कभी दे दे जयदेव, जिस चीज को लिखने के लिए उनका हाथ कपना शुरू हो गया, लेकिन कहते थे प्रभुदानंद सरस्वती देखो उनकी चमत्कारिता, उनकी राधा रानी की पक्के में जो गोपियां रहती हैं, राधा जी की पक्के में उनका कितना साहस है, हैं कितना साहस है। जहां पर कहते हैं जत किंकर इस बहु स खड़ु काग वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले जस्या कदर असानि दे वृषभानु जाया तत केली कुंज भवनांग निमार्जन श्याम। प्रभुदानंद का क्या उनकी उच्ची भाव, जहां पर श्री किशोर जी जिस कुंज में मान करके बैठी हुई और जहां पर राधा रानी दरवाजे को सामने अपना मंजरी सखियों को खड़ी कर देती है, बोले खबरदार आज कोई काले व्यक्ति को घुसने मत दिया करना, ये जो भुरुर काली है ना इसमें भी चंदन लगाकर सफेद कर दो, जो ये चोटी काली उसमें फूल की माला से उसको सफेद कर दो, कोई काले चीज मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने नहीं देना। लेकिन वो काला जब आता है, गुरुदेव कहते थे कहां राधा रानी अंदर में बैठी हुई, जिनकी किंकरी सखियों के चरण में भी कृष्णा हाथ जोड़ करके काकुति विनती करते हुए जिनकी चरण की वंदना करती है, एक बार हमें श्री किशोर जी से हमें एक बार मिलने दो। इसलिए गुरुदेव कहते देखो ये प्रभुदानंद सरस्वती का क्या उनकी कितने ऊंची भावना, बोले क्यों, बोले चुके श्री राधा रानी की चरण में जो सहारा लेते हैं, कहते उनकी साहस को कोई वर्णना नहीं कर सकते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री प्रभुदानंद सरस्वती की। आप लोगों ने अभी अभी कालिया की जो कथा है आप लोग सब जानते हो, कालिया की कथा, ये जो कालिया कैसे यहीं पर रहता था, कैसे कृष्ण ग्वाल वालों को साथ में, कैसे यहीं पर उन्होंने गैया चराने के लिए आए सखाओं को साथ में, लेकिन उस दिन बलदेव प्रभु नहीं आए। बोले क्यों, बोले जिस दिन कृष्ण को कोई विशेष लीला करना पड़ता था इसलिए वो दाऊ भैया को नहीं लाते थे, इसलिए यहाँ पर बछड़े और उनके सखा लोग आकर के ये पानी को स्पर्श करते ही सबके सब यहाँ पर बेहोश हो गए। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया के सब कृष्ण का सखा है, ये साधारण नहीं, उनके जो गैया है ना, कहते गरुड़ और नारद आदि बड़े बड़े शास्त्र का ऋचा है, ये सब के सब बछड़े और कृष्ण का सखा लोग धारण किया, क्या किया, ये 20 उनसे भी ज्यादा ताकत है, जो 20 परसे से ही ये सबके सब मोहित सबके सब बेहोश हो गए, क्या उनसे भी ज्यादा शक्ति, बोले नहीं, पर उन्हें बेहोश कैसे हो गए, बोले कारण है केवल कृष्ण लीला को पुष्टि करने के लिए, पुष्टि करने के लिए। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना अमृत दृष्टि से उनको प्राण दान दिए, बोले सखाओं जब गरुड़ जी अमृत लाए थे इसे वृक्ष को ऊपर रखे थे, तुम खड़े रहो अभी देखता हूं, अगर अमृत होगा तो तुमको खिलाऊंगा, तुम लोग खड़े रहो यहीं पर, कृष्ण बहाना बना करके ये वृक्ष को ऊपर चढ़े। तो गुरुदेव कहते थे भैया यहाँ पर जब काली हरद रहता था, काली रहता था वो पानी उबला उबला करता था, हैं ऊपर में कोई चिड़िया जा सकते थे, आसपास में पेड़ नहीं, पर ये पेड़ कैसे रह गया, कारण क्या, ये पेड़ कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव कहते थे दो तीन कारण से हुआ है, पहला कारण है गरुड़ जब अमृत लाए थे वो अमृत कलश को इसी वृक्ष के ऊपर रखे थे, केवल उसकी स्पर्श से ही ये वृक्ष यहाँ पर जिंदा हुआ था। दूसरा कारण है कितना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने को डाल डाल और बात बात में श्री राधे राधे हुई, ये कोई कृष्ण भक्त है वो इंतजार में था कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, मेरे ऊपर में चढ़ करके यही से कालिया को में छलांग लगाएंगे, इसी भाव से कोई कृष्ण भक्त ये वृक्ष रूप धारण करते हुए ये वृक्ष था, इसलिए कृष्ण इसे वृक्ष को ऊपर चढ़े और कृष्ण यही से छलांग लगाए, कहते 400 धनुष ऊपर तक पानी चला। कालिया यहाँ पर एक गुफा के अंदर में, एक टापू के अंदर में रहता था, पानी उसको अंदर में प्रवेश करते ही कालिया के नींद खुल गए, बोले कौन है इतने शक्ति, और कृष्ण कह रहे इसलिए कृष्ण इसमें तैर रहे थे,
बोले भैया कोई चिड़िया भी नहीं जा सकता था, कोई पेड़ पौधा भी नहीं, ऐसे कौन इतना बलवान जो किसमें तैर रहा है। इतने में उनकी पत्नियों ने समझाया, देखो ये कृष्ण इनसे बैरी मत ठणा करो। भले गैया के पीछे डोलता रहता है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, देखो मेरे अंदर में कितना ताकत है। लेकिन उनकी पत्नी थी काली, वहां से निकला, निकल करके उन्होंने कृष्ण को मर्म स्थान को दंशन करना शुरू किया। कृष्ण ने कहा भैया पहला बारी तेरा है, क्योंकि बाद में बोले मेरे चार से नहीं मिला ना, पहले तू कर ले, बाद में मैं अपना बारी आऊंगा तेरे को दिखाऊंगा। इसलिए उन्होंने जब कुछ भी नहीं हुआ कृष्ण को उन्हें लपेट लिया। जब लपेट लिया इतने में ब्रज में बड़ा अनहोनी होने लग गया। जब अनहोनी होने लग गया बोले ये क्या हो रहा है, ये अनहोनी क्यों, सारे ब्रजवासी कृष्ण का चरण चिन्ह दर्शन करते हुए किधर से गया चराते हुए गए, तब यही पर आए। तब विश्वनाथ चकु ठाकुर कहते हैं क्या कृष्ण का क्या कोई विपत्ति आ गई था जो कि ब्रज में अनहोनी होने लग गया। बोले कृष्ण के ऊपर तो कोई विपत्ति नहीं आ सकती, पर वहां पर अनहरी होने के लिए लग गया। बोले कृष्ण केवल अपना लीला को पुष्टि करना चाहते हैं, इसलिए ये सब लीला दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ब्रजवासी जब यहीं पर आए क्या देखा, कृष्ण को कालियो नाग ने लपेट लिया और कृष्ण अचेत होकर पड़े हुए। सारे ब्रजवासी काली हृदय में प्राण विसर्जन करना चाह रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित को महाराज को रहे, देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम तो देखो है। कृष्ण जब द्वारका में गए सेमंतक मणि को लेकर जाम्बवती गुफा में गया तो जाम्बवान वहां पर कृष्ण प्रवेश किया, लेकिन वहीं पर द्वारकावासी खड़े रहे। लेकिन जब देखा कृष्ण नहीं आए, कृष्ण को छोड़कर के आ गए। बोले इनको द्वारकावासियों को प्रेम देखो, लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों को प्रेम देखो। जब देखा कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिए, सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में प्राण विसर्जन करना चाहते हैं, लेकिन दाऊ भैया सबको रोके, कोई चिंता मत करो अभी कान्हा आने वाले हैं, जब आएगा तो किसको साथ में मिलेगा, अगर प्राण त्याग करोगे तो। इतने में बलदेव प्रभु इशारा किया, बोले कान्हा क्या कर रहे हो तू, किसको साथ में खेल रहे हो, ये मरे गरे एक सांप से खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरा जो अनंत देव मेरे जो स्वरूप है उसको साथ में खेला करो ना, ये क्या के मरे गए सांप से तू गल रहे हो, निकल कर आजा देख रहे हो ये ब्रजवासी सब के सब कैसे तेरे विरह में, ये ब्रजवासी कैसे प्राण त्याग देना चाह रहे, निकलो वहां से। जब उन्होंने इशारा किया ना, इतने में कृष्ण पहले अपना बारी आ गया है, पहले तो तेरे बारी आ गया था मेरा बारी है। इतने में कृष्ण अपना शरीर को मोटा किया करके झट पतले होकर कृष्ण उसकी सर पर कूद पड़े। सर पर कूद करके कृष्ण उसकी सौ फण था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब जब वो काटना काटने चाह रहा था कृष्ण, वो सर को छोड़कर दूसरे, दूसरे में तीसरे, ऐसे कृष्ण नृत्य कर रहे थे। सारे देवता लोग ऊपर से उतर करके आ गए, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और सबके सब बाजा बजा रहे थे। बोले कृष्ण इतने तेजी से नृत्य कर रहे थे, जो तबला बजाते ना मृदंग बजाते हैं, लास्ट में बजा ही नहीं पाए, लास्ट में लहरना लग गए, क्योंकि ये इतने तेजी से ऊंच कर रहे थे। इसलिए हमारे श्री, इसलिए श्री सूरदास जी इसको बड़े भजन रूप में गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत से खून की उल्टी होने लग गई। बोले हे भगवान, मैंने गरुड़ के साथ में भी युद्ध की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, ये केवल 6 साल का बालक मेरे सर पर खड़ा हो गया, लग रहा है विश्व ब्रह्मांड आ गया। सचमुच से मेरी पत्नियां जो कह रही थी ना, ये भगवान सचमुच से। इतने में जब उसको खून उल्टी होने लग गई, पत्नियां दूर से देख रही थी, बोले
लिए मर जाए तो अच्छा ही है। बोले क्यों? बोले एक में तो भजन करता नहीं और ये हमें भी भक्ति करने नहीं देता है, इसलिए जो भजन करे नहीं और भजन करने नहीं दे ऐसे पति रहना नहीं रहना बराबर, इसलिए मर जाना ही अच्छा है। इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैरी समझ यद्यपि परम सने ही, मर जाए तो अच्छा है। लेकिन जब उन लोगों ने देखा इनकी मुंह से खून की उल्टी होने लग गई, सारे अभिमान चकनाचूर हो गया, उसने मन मन में कृष्ण के चरण में शरणागत हो गया। जब शरणागत हो गया तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते इतना जो खल व्यक्ति था वो शरणागति कैसे हो सकता है, मर जाएगा लेकिन शरणागति कैसे हो सकता है। तब वो कहते हैं इनकी जो पत्नियां थी ना, जय जय द्विजो पत्नी नाग कन्या गण, जय जय नाग कन्या गण भक्ति ते जहर पाइलो गोविंद चरण, ये नाग कन्या कृष्ण भक्त थी सबके सब और देखने में बड़ी सुंदर थी सबके सब, इसलिए भक्त थी, बीच बीच में कृष्ण कथा सुनाया करती थी, इसलिए जो कृष्ण कथाएं हैं उनके हृदय में ये बीज रूप में इनका हृदय में पपन हो गया था, है बीज रूप में। लेकिन वो भूमि था उसर भूमि, उसर भूमि में अगर बीज वो थोड़ी काम करता है, वो तो खल था ना, दुष्ट था इसलिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब कृष्ण का चरण वहां पर गिरा, कृष्ण का चरण क्या है, बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, कृष्ण का चरण कोई साधारण नहीं, अशोक अभय अमृत आधार तुमार चरण द्वय भगवान की, लेकिन भगवान की चरण लगते ही बस उनको क्या हो गया, पानी का काम कर गया और फिर दो पत्ते, फिर उसमें टहनिया, फिर तो फूल और फल लग गया, कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई, कृष्ण के चरण में शरणागत हो गया। जब शरणागत हो गया फिर पत्नियों ने देखा अब ये कृष्ण भक्त हो गया। अगर जो पति कृष्ण भक्त हो जाए ना वो पति रहनी चाहिए, बोले क्यों, बोले वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अगर किसका पत्नी देखने में सुंदर हो अगर बीच में पति मर जाए तो फिर क्या होगा बताओ, दूसरे पुरुष आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने देखा हम तो देखने में सुंदर ही, अगर पति चला गया तो फिर दूसरे सर्प आकर के हमें आक्रमण कर लेंगे, इसलिए पति रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बच्चों को सामने ला करके उन्होंने बड़ी सुंदर उनको स्तुति की, बोले हे प्रभु, बोले न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपतम, अद्भुत अद्भुत उन्होंने स्तुति की, बोले हे प्रभु जिस चरण को पाने के लिए बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता, जिस चरण को पाने के लिए लक्ष्मी अपना वैकुंठ का सुख का त्याग दे करके अभी बेल वन में तपस्या कर रहे हैं, इसने ऐसे कौन सा पुण्य किया था आपकी ये दुर्लभ चरणों का अपना सर पर धारण किया, इसलिए ये कितने सौभाग्यवान हैं। आकर के बच्चों को लेकर जब शरणागत हुए, कृष्ण बोले इसको मैं मारूंगा नहीं, क्यों, ये सब तुम्हारी पति है इसलिए उसको मारूंगा नहीं, तुम लोग कृष्ण भक्त हो, इसका अहंकार को दूर कर रहा था। उसको बोले तुम अभी यहाँ मत रहा करो, रमन के द्वीप चले जा, बोले गरुड़ वहां पर, बोले कोई चिंता नहीं, मेरा चरण चिन्ह है, अभी तुम्हें सम्मान करेगा। इसलिए कृष्ण वहां तो एक स्वरूप में गया, लेकिन कालिया ने कहा हे प्रभु, जैसे गरुड़ को आप वाहन रूप में ग्रहण करते हो, मेरे अंदर में इसे तेज है, एक मुहूर्त में कितने करोड़ योजन तक मैं गति कर सकता हूँ, इसलिए प्रभु मेरे को भी सेवा में लगाओ। बोले कोई बात नहीं, इसलिए उनको एक स्वरूप में गोलोक वृंदावन में, उनको जब कृष्ण की जल विहार करने का इच्छा होता है कालियों को बुला करके उसको उन्होंने नाव रूप में व्यवहार करते हैं, ये कालियों को नाव रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए कहते जी, कहते ये जो कालिया दमन जो लीला है, श्री हमारे ग्रंथकार कहते ये पूर्व राग की ये लीला है, अभी कृष्ण चाह रहे हैं रासलीला करेंगे, अभी रासलीला करने के लिए अभी तो जब तक तो ब्रज गोपियां नहीं होता रास कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए उन्होंने दो लीला उन्होंने की है, पहले तो कालिया दमन की लीला की। बोले बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे जो गिलास्याग ऊपर नृत्य करता है, रसी के ऊपर में सर में कलश लेकर के, लेकिन तुम लोग कभी देखे हो कोई सर्प के ऊपर नृत्य किया, इसलिए यहाँ पर कृष्ण सोच रहे थे राधा रानी का मन को और श्री ब्रज गोपियों का मन को आकर्षण करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन ये जो दो लीला उन्होंने किया है रास लीला की, ये प्लाट पर्व बनाने के लिए कृष्ण ये सोच रहे थे। अभी प्रश्न आता है कृष्ण क्यों नृत्य किए इनके सर पर, इनकी पूर्व कथा आती है, इनकी दो कथा आती है, एक कथा आती है कहते किसी समय दो संत एक साथ में भजन करते थे, एक संत को तीर्थ जाना पड़ा, उसने कहा देखो मैं जा रहा हूं तीर्थ में,
मेरे कुटिया को तुम देखो, बोले कोई बात नहीं, लेकिन जब वापस आया ना उसने उसको कुटिया को दखल कर लिया। कुटिया को बोले भैया मेरे घर छोड़ो, बोले तेरा किस चीज घर है ये तो मेरा, बोले तेरा मेरा तेरा कैसे, मैंने अपना घर देकर तेरे गया था, बोले नहीं ये मेरा है। अभी तू तू मैं करते करते ना जो दूसरा संत गया था, बोले सर्प क्या करता है, बील बनाता है चूहा, और वो चूहा में रहता है और सर्प कहता है उसका अंदर में जा करके चूहा को खाता और उसमें अपना घर बना देता है। बोले तेरे व्यवहार जैसे सर्प जैसे, तू अगली जीवन में सर्प जोनि को प्राप्त करो। संत ने कहा मेरे को तुमने सर्प बना दिया, तू कौवा जैसे का कर रहे हो, तू कौवा बन जा। अभी दोनों संत दोनों को अभिशाप दे दिए, ये तो काम करेगा ही। बोले भैया अभी क्या करें, अभी तो अभिशाप दे दिया, ये तो काम करेगा। बोले उसको वरदान बदला दो। बोले क्या, बोले तू सर्प तो बनोगे लेकिन तुम भगवान की भक्त, एक दिन कृष्ण एक दिन तेरे सर पर नृत्य करेंगे और तेरे को अपना वाहन रूप में व्यवहार करेंगे। बोले तू तो कौवा बनोगे लेकिन तुम काक भूषणी बन करके एक दिन राम कथा को नीलगिरी पर्वत को पर प्रभु राम की कथा सुनाओगे। दूसरी कथा दी है, वहां पर कोई एक राजा था, पेट में बहुत दर्द करता था लेकिन उसको सही नहीं होता था। किसी एक संत ने कहा वहां पर कबूतर को पकड़ कर खा लो, तुम्हारी क्या होगा, पेट का दर्द सही हो जाएगा। उन्होंने जाल बिछाया लेकिन कबूतर पड़ता नहीं। बोले तो कबूतर पड़ ही नहीं रहा है। बोले एक काम कर, तो साधु बन जाओ, कबूतर अपने आप बढ़ जाएगा। वो साधु बनते ही कबूतर सीधा उसको जंगे में आकर बैठ गया। बोले भैया उसको पकड़ लिया। बोले पहले पता चलता तो पहले ही साधु बन जाता। उसने जब वो कबूतर को लेकर खाने के लिए ले जा रहा था, इतने में राजा सोच रहा है देखो ये कबूतर मेरे को साधु मान करके, साधु कभी जीव हिंसा करते नहीं, इसलिए मेरे जंगे पर बैठा, मैं इसको खा कैसे सकता हूं। बोले भैया भले ही मेरे पेट में कष्ट हो, तू चले जा, जो छोड़ दिया ना। बोले देखो मैं संतुष्ट हो गया हूं, देखो पीपल के पेड़ के ऊपर मेरे संत हैं, उनकी चरण धोकर चरणामृत पी लो, सही हो जाओगे। वहां पर जब बोले बाबा थोड़ा चरणामृत दोगे, चरण बढ़ाओ, चरण बढ़ाया तो वो परीक्षा कर रहे थे, देखा उसमें कूड़ पीक पड़ा, पीक है बदबू आ रहा था, खड़ा नहीं हो जाएगा। बोले भैया चरणामृत कैसे ले, सोचा दूसरा चरण अच्छा होगा। बोले दूसरा चरण बढ़ाओ, दूसरा चरण तो और भी जाया ज्यादा गया मिता है। उन्होंने चरणामृत लेना पड़ेगा, पेट में दर्द है क्या करेंगे। जब उन्होंने हाथ रख करके पानी डाला ना, वो चरणामृत क्या पड़ेगा, उसमें कीड़े और उसमें पीक खून बदबू आ रहा था। जब ये गिरा उसमें देख करके ना उसने ऐसे फेंक दिया, फेंक करके वो हाथ का अपना सर पर लगा दिया। संत बिगड़े, बोले संत का चरणामृत लेने आए हो, मैं तेरे को परीक्षा कर रहा था। लेकिन जब उसने इसे फेंका है ना, उससे खुशबू निकला, सुंदर खुशबू निकली। बोले अभी मेरे को अभिशाप देता हूँ, तू सर्प जोनि में जा, उनके चरण में गिरी गई, अभी मैं क्या करूं, अपराध क्षमा कर दो। बोले सर्प जोनि में तो जाओगे लेकिन चरणामृत का अपना सर पर लगाया, एक दिन ठाकुर जी तेरे सर के ऊपर में नृत्य करेंगे। इसलिए हम चरणामृत लेकर क्या करते हैं, अपना सर पर लगाते हैं। इसलिए कृष्ण ये हरद को अपना अमृतमय दृष्टि से उन्होंने एकदम पवित्र कर दिया, जिसमें कृष्ण की लीला भूमि, ये हरद कृष्ण की लीला भूमि बन गई है यहाँ पर। इसलिए कहते हमारे मानव जो हृदय है वो एक ही हृदय है, जिसमें कालियों का जैसे सौ फणा था, हमारे हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह तरह तरह का अनर्थ हमारे हृदय में, लेकिन इसको कौन दूर कर सकते हैं। अगर कभी कृष्ण हमारे हृदय में छलांग लगाए और चरण की ठोकर से और ये कालियों को काम क्रोध अगर दूर कर दे, जैसे ये काली हृदय एक दिन कृष्ण का सुंदर बिहार का स्थान बन गया, हमारा हृदय भी एक दिन कृष्ण की बिहारी की स्थान बन जाएगा। इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते, ठाकुर जी आप कृपा करो, हमारा हृदय में प्रकट हो और हृदय में ठोकर मार मार कर काम क्रोध को दूर करो और हमारा हृदय जैसे एक दिन तुम्हारी बिहार का स्थान बन जाए। बोले श्री कालिया, कालिया दमन भगवान की, बोले श्री प्रबोधानंद सरस्वती की, बोले श्री बिल्लो मंगल ठाकुर की। हरे कृष्णा, आप लोगों ने श्रीपाद वन महाराज जी से ये प्रबोधानंद सरस्वती का और श्रीपाद श्रीधर महाराज जी से कालिया दमन का श्रवण किया। कृष्ण एवं बलदेव प्रभु साल में 13 दिन गोचारण में नहीं जाते थे, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति सिंधु में दिखाया और श्रील जीव गोस्वामी एवं चक्रवर्ती ठाकुर टीका में इसका वर्णन किया। कौन से 13 दिन, कृष्ण के जिस दिन जन्म नक्षत्र है उस दिन उनको गो पूजा करना है, ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण को अपने हाथ से दान देना है,
इसलिए नहीं जाते थे। महीना में एक बार जन्म नक्षत्र आता है तो 12 महीना में कृष्ण का 12 महीना 12 दिन जन्म नक्षत्र है 12 दिन। और जब दोनों भाइयों का वास्तविक जन्म नक्षत्र जैसे बलदेवपुर का बलदेव पूर्णिमा, बलदेवपुर जाएंगे ही नहीं और कृष्ण भी बलदेव पूर्णिमा के दिन जाने के अलाव नहीं था, इसलिए अपने जन्म नक्षत्र 12 दिन और बलदेव प्रभु के एक दिन 13 दिन। ऐसे बलदेव प्रभु के 12 महीने में 12 जन्म नक्षत्र 12 दिन नहीं जाते और जन्माष्टमी के दिन वास्तविक जन्म नक्षत्र कृष्ण का उस दिन नहीं जाते, इसलिए 13-13 दिन दोनों भाई इसमें नहीं जाते थे। ये सांप्रदायिक रहस्य तुम लोगों को बता रहा हूँ। और है देखिए, अब जब कृष्ण काली हरद में कूदे उन्हें रोका कौन? बलदेव प्रभु पुरुष लोग को रोका और बलदेव प्रभु रोहिणी मैया को समझाया, मैया तुम महिलाओं को रोको। बलदेव प्रभु महिला को नहीं रोका, केवल पुरुष लोगों को, और रोका महिलाओं को कौन? मैया रोहिणी। और एक रहस्य है, कृष्ण दो व्यक्ति को ब्रज में रख दिया, किसी कल्प में जिस प्रकार किसी दूसरे प्रकार के हैं, एक है अरिष्टासुर जिनके कारण राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ जिस आज के दिन है, उसमें क्या हुआ अरिष्टासुर को रख दिया, जब बैलगाड़ी जोतता है उनको लगा देते, बहुत शक्तिशाली है खींच के ले जाते, और कालियों को रखा नौका विहार के लिए। जब कृष्ण दिन के समय गोचरण में जाते सखाओं के साथ लेकर के नौका विहार करते और रात के समय वही कालियों को नाव बना करके गोपियों के साथ नौका विहार करते, ये सब सांप्रदायिक रहस्य ये सनातन गोस्वामी सब दिखाया। अब आते हैं बिल्ल मंगल के चरित्र में, ये सब गुरुवर्ग हमारे लिए छोड़ दिया वैष्णवगण, उनका झुंडल लेके बता रहा हूँ। अब बिल्ल मंगल, बिल्ल मंगल जी क्या किया? वो पहले ब्राह्मण थे, चिंतामणि बिस्सा के प्रति आसक्त हो गए, फिर उनको भजन करने के लिए आए, आते आते रास्ते में एक सुंदरी महिला को देख करके वो क्या हुआ, उनके रूप से फिदा हो गए। अब वो पानी भर रही थी, पानी पिला देगी क्यों नहीं, ऐसे कर रहे हैं देख रहे हैं उधर उनका रूप पी रहे हैं, फिर मन में ठीक कर रहे हो इस रूप में मैं इतना फंस गया, चिंतामणि धुतकार दिया इसमें फंसा और कुछ दिनों से आ रहे हैं दाढ़ी और केस बड़ी बड़ी लंबी लंबी हो गई। अब वो नारी क्या किया, अपने घर में चली गई, दरवाजे के पास उनका पति बैठा हुआ था, पूछा वो जो अभी महिला अंदर गई कौन है, बोले मेरी पत्नी है, जरा बुला देगा, बोले क्यों नहीं, सोचा बाबा को भूख लगी रोटी मांगेगा, बोला हाँ बुलाया, मतलब तुम्हारा जुड़े का दो कांटा दे दो, वो सोचा और उनके पति भी सोचा पैर में कांटा गड़ गया हो, कांटा निकलना चाहता, कांटा तो गड़ा पैर में नहीं मन में गड़ा, मन में तो क्या किया, वही दोनों के सामने दोनों कांटे लेकर के आंख को फोड़ दिया, बोला न रहेगा पास न बनेगी बांसुरी, न रहेगा पास न बजेगी बांसुरी, पहले बांसुरी बने तब तो बजेगी, बोले इसलिए न रहेगा आंख न मैं फंसूंगा। तो क्या हुआ, अब चल रहे वृंदावन, लौर नहीं फंसना है, आगे चले और श्लोक रचना कर रहे हैं, चिंतामणि जायति समगिरि गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखि पीछ मौली, ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, जिससे हमारा दीक्षा दीक्षा गुरु है और समस्त गुरु परंपरा यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु कृष्ण आदि का सब शिक्षा गुरु है, ऐसे करते जाए कृष्ण को रहा नहीं गया, आगे बाबा बाबा कहाँ जाओगे, मैं वृंदावन जाऊ, मैं भी चलो चलो मेरे लाठी पकड़ लो, आ गया, आकर के थोड़ी देर में बाबा वृंदावन पहुंच गए, इतने जल्दी हाँ अंतर्धान, उनका बहुत दुख हुआ। हस्ता दुक्षिप्त जातो कृष्ण किम पौरुषम हृदयादित निर्जासी पौरुषम गणयामिते, तुम्हारा हाथ छुड़ा करके जा सकते हो, हृदय से निकल सकते हो, तुम कितने बड़े पुरुष तो मैं देखूंगा, ठीक है। अब कृष्ण को ये सुन करके कृष्ण का रहा नहीं गया, बोले दर्शन तो दूंगा अकेला नहीं, अपने प्रियतमा को साथ लेके दर्शन दूंगा। अब राधा जी और कृष्ण दोनों आ रहे हैं, कृष्ण कह रहे राधे आगे मत बढ़ो,
कहा क्यों मुझे अंधा क्या कर लेगा? बोले अंधा शब्द का बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, शब्द सुनकर के पता कर लेते हैं कितने दूर में। कहीं कहीं मैं तो अभी बहुत दूर हूँ, अभी छलांग भी लगा गया पकड़ नहीं सकता। अतः कृष्ण क्या कर रहा था, इसके बिल्लों तुम तैयार हो जाओ, राधा जी का चरण पकड़ना है। बिल्ला बोले तैयार, जय जवान कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो कृष्ण के भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। अभी तैयार ओ ठीक है। कृष्ण बोले आधे आधे मत जाओ, सामने आ गई तू। बोले अभी तो बहुत दूर है, अभी तो नहीं पकड़ सकता है, और सामने आधे और मत जा तू, और मत जा। फिर और सामने देख, अब तब तो के पकड़ लिया, जय बोला पकड़ लिया, पकड़ लिया दोनों हाथ से, जय पकड़ लिया। अरे छोड़ 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 छोड़, कृष्ण मैं बताया ना, गरीब की बात बासी होने पर मीठी लगती है। गरीब का बात बोले मैं गरीब हूँ, तू मेरी बात मानी नहीं, अब तो मीठी लग रही है, लो मरो मैं क्या करूँ। बोले छोड़ छोड़ छोड़, मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बर मांग ले। बोले आप लोगों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। दादाजी हाथ रखा, दर्शन किया। बोले अब तो छोड़ दे। बोले और एक वरदान चाहिए क्या? प्रभु अंध करे दाओ बंध करे दुटी चोख, देखिते चाहि नाय आमी पृथ्वी रत लोग, मेरा अंधा कर दीजिए। क्यों? जो आप दोनों का जुगल जोड़ी का दर्शन किया, इस दर्शन को मैं मन में संजय रखना चाहता हूँ, ये आग के द्वारा मैं लोभ में फंसना नहीं चाहता हूँ। फिर दादाजी अंधा कर दिया। जो लोचना के उनका नाम कृष्ण करुणामृतम, कृष्ण को कान को अमृत समान रुचने के कारण नाम कृष्ण करणामृतम, जैसे हित कर्ण रसायनम, कृष्ण को हृदय में भी रुचा कान में भी, ये कृष्ण के लिए प्यारा है। और प्रबोधानंद सरस्वती का राधा रस सुधा निधि, ये राधा के लिए प्यारा है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन अष्ट सखी अद्वैत वट, लोग खोल कर ताल उठा, मृदंग उठा लो, झांझा और कासर सब ले लीजिए। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, प्रबोधानंद सरस्वती की जय, बिल्ल मंगल ठाकुर की जय, काली मर्दन कृष्ण की जय, सर्वे भक्त की जय, प्रेमानंदे हरि बोल। अब तुम लोग करके था बेटा फिट कर दो। गौर गौर को बुला रहे महाराज, गौर गौर ये भी आए हैं, तो बुला रहे महाराज। अरे ये तो आ रहे हैं, आने से आ गए। एकदम बोला से गुजी करे से देखा देखा वो जी। अभी हम कालियादा दर्शन करने के बाद कालियादा में हमने कथा सुना है, बहुत बढ़िया कथा था अंदर, कालिया दमन लीला का कथा और प्रबोधानंद सरस्वती कथा सुनने के बाद अभी हम जाएंगे अष्ट सखी मंदिर की तरफ। अष्ट सखी मंदिर यहाँ नास्तिक में है। अष्ट सखियों का जो मंदिर है, कृष्ण का जो आठ मेन सखियाँ है, उस अष्ट सखी मंदिर में जाएंगे, वहाँ से भी कथा सुनाएंगे, कथा सुनाने का प्रयास करेंगे, दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कथा सुनाएंगे, कीर्तन होगा, नृत्य होगा, आप लोग देखते रहिए। अगर जयध्वनि देना है तो देते जाइए, लाइक एंड
दर्शन कराते हुए जो कि सनातन दशमी प्रात में राधा मदन मोहन जी को भोग लगाते थे वो दिखाते हुए हम
कोरोना का लॉकडाउन का पीछे छाड़ते हुए लोग हमारे साथ शामिल हुआ है। आप लोग भी देखते रहिए विद्यालय दरबानी लाइव। बड़े भाई तो नहीं थे।
बोलते हैं मरुद ने नवीन बोलते हैं Yeah.
Yeah.
कृष्ण, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में जिस स्थान पर आए हुए हैं, ये सनातन गोस्वामी के सेवित राधा मदन मोहन जी, श्रीमान महाप्रभु कुछ काम अपने किया, कुछ काम अपने परिकरों के द्वारा करवाया। जैसे कि श्रीमान महाप्रभु ब्रज में सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी एवं अपने मामेरे भाई भूगर्व गोस्वामी को ब्रज में भेजा था। फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी को एवं रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी को एवं सनातन गोस्वामी को सेनापति बना करके भेजा। उसमें दायित्व दिया क्या, लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह प्रकाश, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, वैष्णव सदाचार प्रणयन, चार काम दिया। इनमें सबसे पहले सनातन गोस्वामी पाद क्या किया, मदन मोहन जी का आविष्कार किया। ये मदन मोहन थे कौन, ये मदन मोहन श्री अद्वैताचार्य प्रभु के सेवित विग्रह नाम था मदन गोपाल। श्री अद्वैताचार्य प्रभु उस समय के जगत के दयनीय अवस्था देख करके अरे प्रभु आपको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो मैं चतुर्भुज प्रकट करके जगत को ध्वंस कर दूंगा। है कौन सदाशिव है ना, उनके अंश रुद्र शिव, कर सकते हैं, क्षमता है। देखा एक श्लोक, तुलसी दल मात्रे न जलस्व चुनुके नवा विकृणिते समात्मान भक्ते भो भक्त वत्सल। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं तुलसी दल मात्रे न, केवल एक तुलसी दल, जलस्व चुनुके नवा, और एक गंडूस जल कृष्ण चरण में देने पर कृष्ण अपने को उस भक्त के हाथ में बेच देते हैं। चैतन्य चरितामृत में दिखाया केवल तुलसी दल नहीं, कोमल मंजरी हो और दो साइड में दो छोटे छोटे तुलसी कोमल पत्र तो और अच्छा है। ऐसे अद्वैताचार्य किया करके आ गए ब्रज में। देखिए भगवान क्या करते हैं, भक्त से डरते हैं। भगवान देखा मैं इतने कष्ट करके सृष्टि किया, अगर आप सृष्टि रहस्य पढ़ेंगे ब्रह्मा को कितना कितना शरीर छोड़ना पड़ा, तब क्या भगवान भक्त से डरते, भक्त के डर के मारे कृष्ण ही क्या महाप्रभु के रूप में आए। जितने भी अवतार हैं सब कब आए, युग के अंतिम समय में। श्रीमान महाप्रभु के व्यतिक्रम क्या है, युग के प्रथम भाग में। क्यों, अद्वैताचार्य जी का डर, ध्वंस मेरा सृष्टि को ध्वंस कर देगा बेटा आए। फिर जब अद्वैताचार्य आए घूमने लगे, चारों तरफ घूम रहे थे वृंदावन में, उनका आकाशवाणी हुआ, वृंदावने आछन की कानाई, वृंदावन न करिया सुन्न न दिया धन्न करे छेरे भाई, वृंदावने आछन की कानाई। तुम कानाई को ढूंढने के लिए आए हो, इधर इधर नहीं है। अब वृंदावन को सुना करके नदियों को धन्न किया, तब वापिस गए। जाते समय वही अपने ठाकुर जी को एक चौबाइन को ब्राह्मण के घर में देके गए थे, उसी को सनातन गोस्वामी आविष्कार किया, नाम दिया मदन मोहन। और महापुरुष ने क्या किया, राधा कुंड श्याम कुंड का आविष्कार किया, और सब अपने सेनापतियों के द्वारा करवाया। ये अपना निजी काम था आपने किया, ये इसके महिमा के संबंध में नरसिंह महाराज वर्णन करेंगे। श्री नरसिंह महाराज ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव महाराज पूज्यपाद बन महाराज पूज्यपाद श्रीधर महाराज एवं अनन्य त्रिदंडीपादगण सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथाज्ञ प्रणाम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये वृंदावन धाम की परिक्रमा के अंतर्गत यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये है सनातन गोस्वामी के प्रिय ठाकुर श्री मदन मोहन जी। अभी भी माधव महाराज जी बता रहे थे अद्वैताचार्य जी को गोकुल में प्राप्त हुए, फिर उन्होंने अद्वैत मठ से जब यहाँ पर रहते थे अद्वैत वट में, उसके पश्चात जब अद्वैताचार्य जी यहाँ से जब चले गए तो वो इस ठाकुर जी को मथुरा में एक चौबे के पास रखे गए थे। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन से जाकर के पैदल गोवर्धन में जाके गोवर्धन की परिक्रमा करते, मथुरा में भिक्षा करके फिर वृंदावन में आते। तो एक समय में वहाँ चौबन के दो लड़के खेल रहे थे, सनातन गोस्वामी भिक्षा के लिए गए तो देखा कि दोनों लड़के आपस में खेल रहे हैं, दोनों झगड़ रहे, एक चौबे का लड़का और एक मदन मोहन ठाकुर जी मदना सदना। तो दोनों खेल रहे हैं और जब जिस समय में मदना ने चौबे लड़के को हराया, गुल्ली डंडा खेलते थे, हरा के उसके कंधे में बैठ गए, और जब मदना हार गया वो चौबे के बैठने की बारी आई तो ठाकुर जी घर में दौड़ लगा के ठाकुर जी घर में घुस गए, वो तो ठाकुर जी बन गए। वो चौबे के लड़के गाली देते ना उनको, तुम कल दिखाऊंगा, अपोजिट लोग दे रहे क्या कर रहे, मंदिर में मत घुसो। तो इस प्रकार सनातन को समय दो दिन तक देखा वहां पर, चौबाइन तो ब्राह्मणी है, ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, दातुन करते हैं नीम के लकड़ी से, उसको उल्टे तरफ से ऐसे खिचड़ी चलाती हैं। सनातन को समय देखो साक्षात ठाकुर जी इनके घर में है ये चौबाइन, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सदाचार वैष्णव सदाचार के पास कर ली। चौबाइन को बोला ब्राह्मणी देवी आप इनको ऐसा थोड़ा स्नान भी आदि करके तब इनको ठाकुर जी रसोई बनाएंगे तब इनको कुछ भोग लगाना। तो दूसरे दिन भी वो देखने के लिए सनातन गोस्वामी देखा दोनों बच्चे, ब्राह्मणी को देरी हो गई, अब स्नान पूजा करेगा तो देरी हो जाएगी, तो ठाकुर जी भोग लगाने में भोग बनाने में देरी होगी तो लगाने में देरी होगी, तो दोनों बच्चे उनका कपड़ा पकड़ खींच रहे मैया दो। सनातन गोस्वामी क्या बोला, मैं किसी विपत्ति में पड़ गया, देरी से किया खाने को। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे है ना, ठाकुर जी प्रेम के भूखे। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। पैसा है जिनके पास में दुर्योधन का मेवा छोड़ करके विदुर घर के जाकर के उनका रुका सुखा खाया। इस प्रकार ठाकुर जी बड़े बड़े को नहीं लेते हैं, वो प्रेमी को लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यमी भक्ता प्रेम, प्रेम के साथ जिनको देंगे वो अवश्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार फिर एक दिन बोले पीछे पड़ के मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोला देखो कहाँ सनातन गोस्वामी बादशाह के मंत्री और यहाँ पर वृंदावन में आके माधुगिरी देखो कैसा वैराग्य का चरम सीमा है। तो इतने बड़े बादशाह के मंत्री थे आप वृंदावन में आकर के वैराग्य की चरम सीमा देखिए कि इतने बड़े बादशाह के मंत्री होकर के यहाँ पर आके माधुकरी मांग के खाते हैं। तो एक दिन पीछे पड़ गए कि मैं बाबा तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोला देखो मैं तो तुमको तुम्हारे तो यशोदा मैं तुमको बहुत कुछ खिलाया पिलाया है, मैं तो ये सब खिलाने मैं तो तुमको नमक भी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है। बोले नहीं बाबा तुम जैसा खिलाओगे मैं आप तो अपने आप व्यवस्था करोगे तो चलो मेरे साथ। बोला ठीक है मेरे पीछे पीछे आना, पीछे मत देखना, मैं पीछे पीछे आऊंगा, मेरे पीछे देखना मत। तो इस प्रकार सब नहीं है पीछे देखना मत। साकी गोपाल क्या किताब में लिखा है इसमें, ठीक है चलो किताब में लिखा है ऐसा महाराज जी ने। तो जैसा भी है तो पीछे पीछे यहाँ पर आकर के यहाँ पर आके मदन मोहन जी ये मंदिर है, अभी यहाँ बैठे हैं, बाद में देखिए पुराना मंदिर ये यहाँ पर है, जिस समय बाद में इसका मंदिर खंडन होता है ये बाद में नया मंदिर बना, ये पुराना मंदिर ये मदन मोहन का वो बना हुआ है, उसके बगल में हम जो बाद में जाएंगे द्वादशादित्य। तो ये मदन मोहन जी है हमारे गोस्वामी सनातन गोस्वामी के प्राणधन। तो इनको कहा गया गौड़ियों के तीन ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गौड़ियों को जिन्हें आत्मसात किया।
गोस्वामी के ठाकुर और गोपीनाथ जी है मधु पंडित के और सनातन गोस्वामी के मदन मोहन। तो मदन मोहन है कौन? चैतन्य चरित्रामृत में कहा कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेय प्रयोजन, संबंध अभिदेय प्रयोजन। तो ये संबंध की देवता है कौन? मदन मोहन जी संबंध के अधिदेवता है। तो चैतन्य चरित्रामृत में कहा कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेय प्रयोजन कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। संबंध अभिदेय प्रयोजन क्या है? तो कृष्ण है संबंध, कृष्ण भक्ति है अभिधेय और प्रेम है प्रयोजन। कृष्ण प्रेमामृत जय आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहे तार एक बिंदु। बोले कृष्ण प्रेमामृत में जो आनंद सिंधु है वो कोटि ब्रह्मानंद भी नहीं, ब्रह्मानंद में भी नहीं है, कोटि कोटि जड़ानंद कोटि कोटि ब्रह्मानंद के समान वहां का एक बिंदु के समान है प्रेमानंद, कृष्ण प्रेमामृत सिंधु। इसलिए जो कृष्ण है वो, ये कृष्ण कौन है? कृष्ण भक्ति करने वालों को धोखा में गिनता हूँ, गिनाता हूँ। मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चित वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में कौन ये किस भगवान को जानने का प्रयत्न करता है और ऐसे हजारों हजारों मनुष्यों में कौन एकाद जानता है किंचित। फिर कहा कि ब्राह्मण अगर कोई कहे कि भाई अनंत कोटि जीव संसार में है उसमें से कितने भजन कर रहे हैं और उसमें से कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है और फिर उसमें वृंदावन में आने में कितना दुर्लभ है, इसको दुख क्या है? बोले मनुष्य ये ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्यो क्षत्रियाजी विशिष्यते। हजार हजार ब्राह्मण को एक क्षत्रियाजी मुझे याज्ञिक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्षत्रियाजी सहस्रेभ्यो वेदांतविद पारक, हजार हजारों याज्ञिक ब्राह्मण से एक वेदांत वेदांतविद कोट्या विष्णु भक्त विशेष्यते। कोटि कोटि वेदांतविद ब्राह्मणों से ये कोई विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। वे वेदा विष्णु भक्त सहस्रेभ्यो और हजारों हजारों कोटि कोटि विष्णु भक्त से में कोई एकांतिक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। मुक्ता नाम अभिषेदा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुनि। कहाँ से आए? कोटि ब्राह्मणों में से, कोटि याज्ञिक क्षत्रों से, कोटि वेदांत विदों से, कोटि विष्णु भक्तों से कोई एकांतिक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है वही वृंदावन में आ सकता है ना। और कृष्ण भक्त में भी इस महाप्रभु का भक्त, इसलिए कहा कृष्ण संबंध वृंदावन में आना है। इसलिए कृष्ण ने कहा दैवीशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रबदंते। एकमात्र मुझको शरण का आने वाला इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, नहीं तो नहीं। अभी तो जाओ बाहर, अभी कृष्ण भक्ति है ना। तो ये कृष्ण में भी ये मदन मोहन कृष्ण, मदन मोहन कृष्ण तार मोहिनी अतएव सर्वा श्रेष्ठा राधा ठाकुरानी। तो मदन मोहन कृष्ण है, ये मदन कौन है? मदन है जिसको कहते हैं ये साधारण कामदेव, जिसको शिवजी ने भस्म किया था। शिवजी ने भस्म कर दिया तो फिर उनकी पत्नी रति देवी गिड़गड़ाने लगी, क्योंकि तब तक तो उनका शरीर था, उस सब कामदेव शारीरिक था, उनका शरीर था। जब शिवजी ने उनको भस्म कर दिया तो क्या हो गए? अनंग, उनका अंग नहीं है अनंग, इसके लिए उनका नाम अनंग हो गया। मतलब क्या? ये प्राकृत वृंदावन या प्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। तो वृंदावन का मदन क्या है? अप्राकृत नवीन मदन। वृंदावन में जो कृष्ण है वो अप्राकृत नवीन मदन, इस जगत में जो कामदेव है जिसको शंकर जी ने भस्म किया था वो प्राकृत मदन है। वो आनंद होकर के उसका नाम मनमथ है, वो मन में बैठ के सबके मन में खलबली मचा देता है, सबके मन को मथता है। वो ऐसा अनंग होकर उसका कोई रंग नहीं दिखता है, अंग नहीं दिखता है, क्योंकि सबके हृदय में बैठ के सबको उलट पलट कर देता है। वो है साधारण प्राकृत मदन। अरे वृंदावन या प्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। तो वृंदावन के अप्राकृत नवीन मदन ये मदन मोहन कृष्ण जो है नवीन मदन, अप्राकृत मदन ये क्या करते हैं? तो ये नवीन मदन अप्राकृत मदन साधारण मदन ने क्या किया? ब्रह्मा को शिव जी को बड़े बड़े ऋषि मुनि को पछाड़ दिया, काम के वश में भूल गए सब। तो ये सब मदन मोहन, वो मदन जी बाद में जो कृष्ण ने शिव जी ने जिसको भस्मीभूत किया था वो कौन है? कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न है ना, वो कामदेव है। वो आया था ना, आपने कथा सुनी की रहती, वो कहां से शंबरा सुनी कैसा उसको पकड़ के हु कृष्ण का बेटा कामदेव, और वो कामदेव के भी पिता। अगर प्रद्युम्न कामदेव है तो उसके पिता कौन है? कृष्ण है। इसके साक्षात मदन मोहन, साक्षात मनमथ मनमथ वो कृष्ण है मदन मोहन। तो ये उनकी भी
ये मदन मोहन का हम लोग काम गायत्री काम बीजे जहाँ रोपा था, हम लोग को गुरु प्रदत्त मंत्र है जिसको काम गायत्री मंत्र कहते हैं, और उसको काम बीजे काम गायत्री, काम बीज है जो कहते हैं जगो कलम बाम विषाम मनोहरम, वो क्लीम बीज है, काम गायत्री काम बीजे, काम बीज है उसके साथ काम गायत्री है, तो काम गायत्री मंत्र कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है काम गायत्री मंत्र, सब लोग काम गायत्री करते हैं, वो तो कहाँ कर खोजो कहाँ पर लिखा है काम गायत्री मंत्र। हाँ, तो ये काम गायत्री मंत्र पद्म पुराण के सृष्टि खंड में है, और सबसे पहले ब्रह्मा जी को कृष्ण ने, पुराण पांच खंड है, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कृष्ण मंत्र दिए, हम लोग गोपाल मंत्र करते हैं ना ब्रह्म संहिता में, देख लेना ब्रह्म संहिता में कृष्ण ने आकाशवाणी के द्वारा शुद्धा सरस्वती कहा, कौन सा मंत्र दिया, गोपाल मंत्र, कृष्ण मंत्र कहते हैं जिसको, क्लीम के साथ में, क्लीम कृष्ण आए हैं तो क्लीम के साथ में काम बीज, और वो कृष्ण मंत्र दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा, बोले जप करो, हजारों साल जप करने के पश्चात फिर कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखाया, फिर उनको दूसरा मंत्र दिया, कौन सा, बोले काम गायत्री, काम गायत्री मंत्र दिया, कहते ब्रह्मा जी को द्विजत्व प्राप्त हुआ, हम लोग दीक्षा होती है ना तभी दीक्षा में मिलता है ये मंत्र, याद रखना सभी लोग दीक्षा ग्रहण करना, जो नई ग्रहण की उनको पता पड़ेगा, इसलिए वृंदावन में आना है तो काम गायत्री काम बीजे जहां उपासन, ये वृंदावन के नवीन मदन अपराकृत जो मदन है उनकी अगर उपासना करनी है तो पहले तो कितनी कोटि ब्राह्मणों को पार करके, कितनी मुक्तों को सिद्धों को पार करके आना पड़ता है, कृष्ण भक्त बनना, देवी देवताओं को भक्त तो प्रवेश ही नहीं यहाँ पर, एकमात्र कृष्ण भक्त, और वो मदन मोहन की उपासना करनी है वृंदावन में, वृंदावन में प्रवेश करना है तो एक अपराकृत मदन मोहन जो है उनकी उपासना करनी है काम गायत्री काम बीज के द्वारा, तो ये काम गायत्री मंत्र है ब्रह्मा जी को अपनी मुरली से दिया कृष्ण ने, और कहा इसकी तपस्या करो, तो उसके प्रभाव से ब्रह्मा जी को, हमारे आदिगुरु ब्रह्मा है उनको भी कृष्ण के मुरली के द्वारा काम गायत्री मंत्र दिया, तो ब्रह्मा जी ने हजारों साल बैठ करके कमल के ऊपर तपस्या करके उन्होंने फिर ये सृष्टि को, उनको भगवान ने कहा कि सृष्टि करो अभी, जब मेरे ये मेरे मंत्र के प्रभाव से मेरे आशीर्वाद से तुमको जो कुछ चाहेगा इसको मिलेगा, ब्रह्मा जी को कहा कृष्ण ने, ब्रह्म संहिता में देख लेना 26 नंबर श्लोक, और वहां पर काम गायत्री मंत्र वहां पूर्ण नहीं है, काम गायत्री मंत्र वहां भी नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा और कहीं, बोले काम ये हम लोग काम आप लोग स्त्रियों के लिए तो ये गायत्री मंत्र नहीं मिला इसलिए वो काम गायत्री हो गया, किंतु जो काम ये काम गायत्री मंत्र है और ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ने कृष्ण की उपासना करने के लिए, देखो ठीक से सुनना इस बात को, गायत्री मंत्र जो हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं ब्रह्म गायत्री जप करते हैं, वो उस ब्रह्म गायत्री मंत्र ने गोपाल मंत्र उपनिषद के अनुगत्य में ब्रज में कृष्ण के गोपी रासलीला प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और वही ब्रह्म गायत्री ही गोपी बनकर के काम गायत्री बना, एक रूप में ब्रह्म गायत्री रहा और एक रूप में काम गायत्री, एक रूप में काम गायत्री एक रूप में ब्रह्म गायत्री, और वही हम लोग काम गायत्री उपासना करते हैं, और वो है अपराकृत नवीन मदन वृंदावनी, अपराकृत नवीन मदन काम गायत्री काम रूपे जहां रूपासन, तो काम गायत्री और काम रूप से हम लोग जो उपासना करते हैं वो क्लीम शब्द जो है उसके अंदर पूरी सृष्टि की का क्लीम शब्द का अर्थ किया है क ल ई उम, अनुस्वार अनुस्वार चंद्रबिंदी, तो ये चार अक्षर हैं और इसके अंदर जो पांच काम के बाण हैं, पांच अक्षर हैं, बोले कामदेव के पांच बाण हैं, कामदेव के पांच बाण होते हैं, उच्चाटन सम्मोहन शोषण ताड़न, और ये सब क्या करते हैं काम के पुष्प बाण, उसके पांच फूलों के भी बाण है, तो पांच फूलों की भी नाम है मौलश्री क्या बोलो मतलब अशोक अशोक बकुल माधवी मल्लिका बकुल, ये पांच है कामदेव के पांच पुष्प बाण है, तो एक क्लीम शब्द के अंदर ही है, क्लीम मैंने काम भी जहां उपासन, तो ये कृष्ण के ये 24.5 काम गायत्री मंत्र हैं, ये चैतन्य चरितमृत का वर्णन किया है कि कृष्ण के 24.5 चंद्र है उसके रूप में है, उसको काम गायत्री काम बीजे जहां उपासन, ये मदन मोहन अपराकृत वृंदावन के मदन मोहन है सनातन गोस्वामी के द्वारा यहाँ प्रकट किए, तो ये से हमारे मदन मोहन है,
ये हमारे गौड़ीय के उपास्य है, संबंध देवता है। संबंध हमारे क्या है? कृष्ण, और संबंध अभी देवता हमारे मदन मोहन। तो कृष्ण की उपासना करने के लिए इतनी सीढ़ियां पार करके आना इतना साथ सहज नहीं कि वृंदावन में आकर के हम मिल गया। जन्मांतर सहस्त्रेशु, फिर सुनो एक श्लोक, जन्मांतर सहस्त्रेशु तपो ध्यान समाधि भी नरानाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। अनंत कोटि जन्मों के पश्चात, जन्मांतर सहस्त्रेशु तप ध्यान समाधि लगाने के बाद जब हमारे सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब जाके कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। इतना सहज नहीं है, अनेक जन्मों के हमारे कुछ पुण्य सुकृतियां संचित हुई है, इसलिए हम लोग ये कृष्ण की वृंदावन में प्रवेश हुआ। अभी तो और आगे पहुंच रहे, बहुत बाकी है। तो कहते मदन मदन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, मदन मोहन जो कृष्ण है हमारे, उनको भी मोहन करने वाली मोहिनी राधा ठाकुरानी। तो ब्रज में अगर रास में प्रवेश करना है तो बिना रूपी के अनुगत्य में राधा कृष्ण ये लीला अति गुणतर सख्य वात्सल्यादि भावे नाहय गोचर। बिना सख्य वात्सल्य भाव से इसमें प्रवेश नहीं हो सकता है। सभी एकमात्र सखी अधिकार, सखी मात्र गोपियों का अधिकार इस रास में प्रवेश करना। तो ये काम गायत्री उपासना करने वाले ही इसमें रास में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी जानने पर। इसलिए कितने हम लोग सौभाग्यशाली है, कितने जन्मों का हमारा प्रपुण्य है, हमारे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमको ऐसे परिक्रमा करने की सुनने का मौका मिला। पहुंचने के बाद तो कम से सुन के रखो कि किसी जन्म में हमारा ऐसे अगर मिल जाए। अरे साध्य पहले तय करो, पहुंचने के लिए हजार हमारे हजार उसमें उपाय करने पड़ेगी, हजार लाखों जन्म लग जाएंगे फिर भी हमको वही प्राप्त करने हैं। आर साध्य पावार कोई ना ही उपाय। राधा कृष्ण कुंज सेवा, ये राधा कृष्ण की पुण्य सेवा यही हमारा एक लक्ष्य है, और इसको पाने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या एकमात्र सखी बिना यह इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग हमारे गुरु वैष्णव हमारे रूपानु कहते हैं ना, वो सब मंजरी है, इसलिए उनके अनुगत्य में हम राधा कृष्ण की सेवा में वो अति सर्वोच्च सेवा है, उसमें वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। ये मदन मोहन जी के निकट और सनातन गोस्वामी सब गोस्वामी और गुरुवर के निकट प्रार्थना है कि किसी न किसी जन्म में हमारे इसमें छोटे मोटे हमारे समझ में आए, यही हमारा उनके निकट प्रार्थना है। वांछा कल दुर्वेश कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो गेट में ना सबको देना था, गेट पे चले जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा देना जब सब जाएंगे हाथ उठा दो। मदन मोहन लाल की, सनातन गोस्वामी की, नरसिंह महाराज की जय। सुना है महाराज जी, आप इतना शास्त्र खोल दिए ना, बोल दो कुछ दो चौबाई ने लगा दस पता है खास लोग इनको बताना, और 24:30 तक कहाँ की इनकी बताना, तब आपको बताऊँ एक चीज इसमें मजेदार बन मत दिमाग खाली महीने में गेट में तेरे बाबूजी महाराज, गेट में तेरे बाबूजी महाराज, गेट में कहाँ प्रसाद दिया बाबा, मटके रखना, मटके रखना बाबूजी के कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम जटिल उत्तरा, बिकॉज उत्तरा ओनली ही उत्तरा सी सो कृष्ण For this regard, he asked how is the Krishna form. That time he also, when he manifested this form, that a mother Uttara, she told, this is the only the lotus feet of Krishna. So for this regard, he gave this name, it's called Mother Moon. Then again he also manifested another form, then he told our this only the beautiful face of Lord. For this regard gave his name, that is called the Govinda Dev. Then again he also manifested another, that is the completely of Krishna chest, for this God given name Gopinath. So if you take darshan the three, that is Govinda, Gopinath, Madan Mohan, then your darshan will be complete, because this is called Samanda, Ovidya and Prajantata. But if you take darshan only Radha Raman, there is a complete, because Radha Raman is non-different from Chaitanya Mahaprabhu. Hey, Rahul Prabhu, from the
heart of गोपाल भट्ट गोस्वामी. बोलो गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय. श्रील भक्तिवेदांत बन महाराज जी की जय. थैंक यू थैंक यू. जी अभी हम आगे जा रहे हैं. लोगों मिला कि नहीं? अब लोगों मिल गया कि नहीं? जी अभी हम लोग जा रहे हैं राधा मदन मोहन जी दर्शन करने के बाद दौड़ते दौड़ते हम कैमरा को लेके आगे बढ़ रहे. कहाँ जा रहे हैं हम जरूर दिखाएंगे राधा मदन मोहन जी. हाँ अंदर है क्या है अंदर? सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का भजन कुटीर है. वही सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का भजन कुटीर जो सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने ये मंदिर बनाया था. कैसे बनाया था वो सारा कहानी सुनाएंगे. देखते रहिए अभी दलन करवाने लाइव. हरे कृष्णा. राधे राधे बोलते रहिए जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए. ये चप्पल कहाँ लेके जा रही है तो निकाल दे. जो शानदार पुराना मंदिर आप देख रहे हैं. देखो दामोदर बहुत अच्छा सेवा करते हैं विद्यालय करवाने. जी बट बहुत अच्छा से मजा लेते हैं. चल Thank you.
आना चाहिए था इधर से। I saw your back, then I remember. I saw your back cat. So I remember patum patum sweet patum. जी आज आप लोग प्रभु जी का गले से एक भी कीर्तन नहीं सुना है ना? सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। लग गया इसलिए मैं कीर्तन नहीं कर रहा। हाँ, कीर्तन भक्त को सेवा करना चाहिए। अगर भक्त को सेवा करना चाहते तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है, वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है मटका के, सब जी गौरिया मटका, उसमें डोनेशन कर सकते हैं। हम भक्त सेवा जरूर करेंगे आप। हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलो। नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आनंद लेना चाहते हैं। हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना बाबा जी महाराज का हाथ में प्रसाद पाना है। अगर आप भी भक्त का सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ है गौड़िया मठ का नंबर, दिया हुआ है अकाउंट डिटेल्स है पेज में, आप भक्त का सेवा कर सकते हैं। वैष्णव सेवा करना बहुत अच्छी है। जिस समय कालियाधाम में कूद करके कालियों को मर्दन किया और यमुना के ठंडे पानी से उनको कपकपी लग गई, तो यहाँ पर आके जब कृष्ण आए तो स्वयं सूर्यदेव द्वादश आदित्य में प्रकाशित होकर उनको ताप देकर के उनकी ठंडी दूर की। फिर पसीना आ गया, पसीना आ गया तो पसीना सुखाने के लिए इसको प्रस्कंदन तीर्थ कहा गया। यह है द्वादश आदित्य टीला, सूर्य स्वयं द्वादश कला के द्वारा यहाँ पर कृष्ण को उनके उनकी कपकपी और ठंडी दूर की थी, इसलिए यहाँ पर द्वादश आदित्य टीला प्रस्कंदन तीर्थ और उनका पसीना सुखा दिया। और यह है हमारा पुराना मदन मोहन मंदिर, ये है सनातन गोस्वामी के चरण का। एक बार बैठने महाराज जी, एक घंटा जाएगा आप और बो
कुटिया में है बाबा जी नरसिंह का जोर लग गया जगह नहीं नहीं जगह अच्छा अच्छा दिखाएगा थोड़ा देर में कितना फोटो खींचो मत भाई फोटो मनाए सनातन प्रसन्निक भजन कुटी की सनातन प्रसन्निक भजन कुटी सनातन गोस्वामी पाद की नवीय भजन कुटी कृष्ण हरे 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 राम हरे
सखी मंदिर है। मंदिर 400 साल पुराना है, 15 साल पहले रिनोवेट हुआ है। तो बंगाल के राजा थे वीरूम के राजा रामरंजन चक्रवर्ती, उनकी रानी गोपाल जी की सेवा करती थी। गोपाल जी बोले थे कि भरत 84 कोस में अष्ट सखी मंदिर नहीं है, तब उन्होंने अष्ट सखी मंदिर का निर्माण कराया था। तब से ठाकुर जी यहाँ पर 8 सखी साथ में रास करते हैं। ये मंदिर 400 साल पुराना है। सुभाष भारद्वाज, हम सुभाष प्रभु का मुंह से अष्ट सखी मंदिर का पुराना और अमृत 400 साल पुराना मंदिर है और ब्रिज में सब एक ही अष्ट सखी का मंदिर, सब एक ही अष्ट सखी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, भक्त लोग तीर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये दामोदर का महीना है और कार्तिक महीना में अगर इस कथा भी जरूर सुनाएंगे महाराज जी। बोलो श्री राधा राजबिहारी अष्ट सखी कुंज की जय। जी लॉकडाउन में चलते हुए अष्ट सखी बहुत अच्छा है, 400 साल पुराना भी है। 400 इयर्स एगो एस्टैब्लिश्ड दिस टेंपल किंग ऑफ बिंगो। जी अभी इस मंदिर की कथा सुनना चाहेंगे तो लाइक देते रहिए, कमेंट करते रहिए। Oh,
हरि बोल हरे कृष्णा बुलसे वृंदावन बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में उपस्थित हुए हैं, ये मंदिर का नाम अष्ट सखी मंदिर है। कभी जो अष्ट सखी, ये सखी सब है कौन? कभी ये सखी और कोई नहीं, इसलिए श्री बृहदारण्य उपनिषद बताए सब ई नैवर में नैवर मते स द्वितीय मैछत। इसका मतलब है कृष्णा जब गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे कृष्णा खड़े हुए हैं, अभी उनकी इच्छा हुई हम रास करेंगे, लेकिन रास तो अकेले नहीं कर सकते, इसलिए कद स द्वितीय मैछत, तब वो दो होने की इच्छा की। इतने में कृष्ण की वाम अंग फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते वहां से एक दिव्य सुंदर नारी वहां प्रकट हुई, जो 16 श्रृंगार जो द्वादश आभरण युक्ता वो रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए प्रथम अक्षर नाम पड़ गया रा। लेकिन ये प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हुए उन्होंने धावित तो हुई, धावित तो मतलब होता है दौड़ना, कृष्ण की पूजा करने के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया रा धा नाम हो गया। अभी एक से दो हो गए, लेकिन वो दो भी काम नहीं चलेगा, जैसे क्रिकेट खेलते ना एक दो प्लेयर से थोड़ी होता है, वहां पर टीम होता है। इसलिए इतने में कृष्ण, अभी कृष्ण की उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या, कृष्ण न आराध्यते इति राधा वा कृष्ण समाराध्यते राधा, कृष्ण स्वयं जिनको पूजा करते हैं बा जो कृष्ण की आराधना करती है वो राधा। अभी राधा रानी अभी दो हुई तो अभी सोचा भैया दो में भी काम नहीं चलेगा, अभी कृष्ण सेवा के लिए राधा रानी ने एक एक अपना भाव को उन्होंने एक एक उन्होंने मूर्ति प्रदान की है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी, कहती जो आनंद चिन्मय रस ही वो एक एक मूर्ति ये गोपी रूप में ये लोग ने प्रकटित हुए हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दिया है कृष्ण कैसे हैं, जैसे एक तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष देखे हो कौन कौन देखे हो, देखे हो सब, इसलिए देखने में तो कृष्ण सुंदर है, लेकिन कहते उसमें कृष्ण तप उसमें लता स्वरूपिणी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। अभी लता हो गया तो और सुंदर लगा, लेकिन उसमें पत्ता हो जाए ना और भी सुंदर लगता है, इसमें उसने जो पत्ता स्वरूपिणी कौन है, कहते श्री ब्रज गोपियां, पेड़ हो गया लता हो गया पता हो गया, लेकिन और कब सुंदर होता है, उसमें जो मंजरिया आ जाए उसमें जब सुंदर सुंदर फूल आ जाए ना फिर तो कहना क्या है, फिर और भी सुंदर बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण ही ये स्वयं अनंत रूप में प्रकटित होकर के ये दिव्य लीलाओं को कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए श्री उज्जल निर्मणि में श्री रूप गोस्वामी कहते ये सखी मतलब होता है क्या, ये सखियों का काम क्या है, कहते इनका अनंत काम है, बोले क्या काम है, बोले कृष्ण को राधा रानी का प्रति है, राधा रानी की महिमा को बोल बोल करके कृष्ण को जो अनुरक्त राधा रानी पुत्र कराते हैं, और राधा रानी के पास में कृष्ण की महिमा को बोल बोल करके उनको कृष्ण के प्रति अनुराग कराती हैं, और क्या करती हैं, ये दोनों को लेकर के एक जगह पर ये लोग मिलाती हैं, और जो सखियां है ना ये पत्ती वंचना करने में तो एक्सपर्ट, यहाँ पर भी कुछ होएंगे, इसलिए वृंदा कृष्ण की वृंदावन में धाम में आने के लिए पतियों को थोड़ा उल्टा उल्टा बोलकर भैया वृंदावन जाना ये काम बोल करके क्या करते हैं, कृष्ण सेवा के लिए आ जाती हैं, क्योंकि ये गोपियों का गोपियां है कौन, कृष्णा का कृष्ण ही उनको प्रियतम है, लेकिन इनको जो शादी है ना ये सबके सब अलग अलग गोपों के साथ में इन्हीं की शादी हुई, इसलिए वो कृष्ण क्योंकि पर क्या रस का आस्वादन करने के लिए, इसलिए ये पति वंचना में ये एक्सपर्ट कौन है, ये सबके सब सखियां हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया बोले तांबुलम भक्त ललिता विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपकलता तुंग विद्या तुनर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देवी के,
कहते जो अष्ट सखियां ये क्या क्या सेवा करती हैं, क्या क्या बोले तांबुलम भक्त ललिता। इसलिए ललिता की सेवा क्या है, पान की सुंदर सुंदर बढ़िया बना करके और ऐसे पान खिलाती है राधा रानी कृष्ण को। पान खाने से जो होठ है ना एकदम अपने आप लाल, अभी लिपस्टिक पहले नहीं हुआ करता था, कोई लिपस्टिक नहीं लगाया करते थे, शरीर का तेज सही, पान खाने पर अपने आप होठ अपने आप लाल बन जाती है। इसलिए तांबुलम भक्त ललिता, इनका नाम ललिता क्यों है, इसलिए लालित्य बा सुंदरता है, सुंदरता जो ललिता है ना कृष्ण सेवा के लिए क्या बनाती है, बनाता है जो ललिता देवी कृष्ण के जो पुष्प की जो उनका जो कुंज भवन एक्सपर्ट है, उनकी जो पुष्प सेवा की, पुष्प की वितान, पुष्प की सज्जा, पुष्प की मंदिर, ये ललिता सुंदर पुष्प की सुंदर श्रृंगार करती हैं और बड़े सुंदर राग से गाती हैं और कृष्ण को राधा कृष्ण को बड़े सुंदर ये श्रृंगार करती हैं ये ललिता सखी। इसलिए तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने, विशाखा की क्या सेवा है, बड़े सुंदर उनकी चंदन की राधा कृष्ण की बड़े सुंदर ये श्रृंगार करती हैं। और विशाखा की बगर, विशाखा मतलब क्या, कोई यहाँ पर विशाखा है नाम का, इसलिए कहते विशाखा मतलब क्या, बोले विशेष शाखा, जैसे किसी पेड़ को बड़े चढ़ोगे ना जब तो किसी ब्रांच शाखा को नहीं पकड़ते हो आप पेड़ को बड़े चढ़ नहीं सकते हो। इसलिए एक समय कृष्ण का सखा मधुमंगल ने कहा कन्या मैं ना हाथ देखना बड़ा अच्छा जानता, बोले हाथ देखना जानते, बोले हाँ, बोले मेरे तो हाथ देख लो। तब मधुमंगल कहा देखो तेरा हाथ ये बता रहा है कोई एक सुंदर सरोवर है और वो सुंदर सरोवर में एक हंसी उसमें जल विहार कर रही है, लेकिन एक जो हंस है उसको पाने के लिए तो पीछा कर रहा है लेकिन पा नहीं पा रहा है। बोले तो सही बता दिया तुमने, सही बता दिया, कहते मानस सरोवर में कौन विहार कर राधा रानी, वो एक हंसी, अभी कृष्ण कोशिश तो कर रहे राधा रानी को पाने के लिए नहीं पाने। बोले तुमने मन की बात बता दिया। बोले बताओ वो हंस हंसी को कैसे पा सकता। बोले एक उपाय है, जैसे पेड़ को चढ़ने के लिए कोई शाखा की जरूरत है, इसलिए ये विशाखा नाम का सखी को तुम आश्रय करो, बस इसकी कृपा होगा ना, बस तुमको राधा रानी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहते विशाखा, बोले चामरे चंपक लता, जो चंपक लता बड़े सुंदर उनको चामर के व्यंजन करते हैं, और सुदेवी जल सेवा, जो सुदेवी सखी बड़े सुंदर जल की झाड़ी लेकर के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और तुंग विद्या तो नर्तने, जो तुंग विद्या बड़ी सुंदर नृत्य करती हैं। इसलिए राग श्री रंग देवी के, जो रंग देवी सखी बड़ी सुंदर राग ऐसे गाती है वो सुनकर के प्रिया प्रियतम खुश हो जाते हैं। इसलिए इनके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक सरोवर है मानस सरोवर, लेकिन उसमें अनंत धाराएं निकली, उसमें अनंत धाराएं निकली, ये अनंत सरोवर है कौन, बोले ये श्रीमती राधा रानी, जिसमें अनंत धाराएं कौन है, ये अलग अलग सखी रूप में श्री राधा रानी प्रकट हुई। एक सुंदर उदाहरण देकर बताए, जैसे हमारे हृदय है, ये हमारे हाड़ हृदय है, अब देखना ये हृदय से वो सारे नस खून का रस जुड़ा हुआ है संपूर्ण शरीर में, क्या होता है जो हाड़ जब चलती है वो हाड़ से ही सारे खून सारे संपूर्ण शरीर को जाता है, संपूर्ण शरीर को फिर आकर के हाड़ में आ जाती है। उसी तरह जो श्रीमती राधा रानी ये जैसे ये हाड़ सदृश है और यही यही से ही अनंत सखी रूप में राधा रानी प्रकटित हुई, लेकिन प्रकटित होकर के निकली सारे रस कहाँ से, बोले राधा रानी से निकलती है और राधा रानी में ही समाये जाती है। इसलिए कहते बहु सखी बिना न है रसेर उल्लास, कहते बहु सखी के बगैर रस का उल्लास नहीं। इसलिए ये श्रीमती राधा रानी अनंत अनंत सखी रूप में ये प्रकटित होकर के अनंत अनंत रूप में ये कृष्ण की ये सेवा करती है, कौन, ये श्रीमती राधा रानी ही ये अनंत सखी रूप में ये प्रकटित हुए हैं। इसलिए कहते बहु सखी बिना न है रसेर उल्लास, है रस उल्लास बहुत सखी के बगैर नहीं होता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले ललिता सखीरा अजोग्या किंकरी विनोद धरी चेपा, सब श्री ललिता की गण है।
कहते ललिता गण के गण में विशेष करके तीन प्रमुख सखियां हैं, उनको आठ, उनका भी आठ सखियां, पांच सखी हैं, लेकिन उसमें प्रमुख तीन सखी हैं। बोले कौन कौन प्रमुख तीन सखी है? बोले एक श्री रूप मंजरी है और एक श्री अनंग मंजरी और एक श्री लवंग मंजरी। लवंग मंजरी इसलिए कहते हैं उनमें विशेष करके उसमें तीन सखियां हैं जिनके अनुगत्य में सबके सब सेवा होती है। इसलिए कहते हैं हम लोग किसकी गण में हम लोग है? कहते हैं हम लोग श्री ललिता सखी की हम लोग गण है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ललिता सखी अयोग्या किंकर विनोद धरिचे पाए, हम ललिता की गण है। इसलिए हम लोग ने गुरु जी के अनुगत्य में ये अष्ट सखी मंदिर में हम लोग आए हैं, इनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि इनकी कृपा से ही हम लोग एक दिन जुगल सरकार की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति हर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति हर नाही मोर, ललिता विशाखादि जत सखी प्रीत आज्ञाय करीब सेवा चरणार भीत, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शास्त्रीय अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भजन में कैसे ये सखियां राधा कृष्ण की कितने तरह से सेवा करते हैं, कहती है भजन के माध्यम से वर्णन किया। और हमारे श्री उत्तम प्रभु जी एक सुंदर एक भजन गाए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर वो भी भजन है, कैसे श्री अष्ट दलपरी श्री राधा सुंदरी कैसे जरा हाँ। इसलिए कैसे श्री जैसे कमल फूल का वो उदाहरण देते हैं और जैसे बीच में श्री राधा कृष्ण खड़े हुए और अष्ट दल रूप में ये आठ सखियां कैसे विद्यमान और कैसे राधा कृष्ण की ये निकुंज में कैसे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, इनकी कृपा सही जीवों का राधा कृष्ण की सेवा में इनकी अधिकार होता है। हम प्रार्थना करेंगे किसको चरण में? सखियों के चरण में नहीं, सबसे पहले गुरु जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे श्री रूप पाद पद में मोरे समर्पी। हम डायरेक्ट ठाकुर के पास में नहीं जा सकते, सबसे पहले हम श्री गुरु जी के शरण में जाएंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगा तब गुरु जी हमको लेकर के परम गुरु जी के पास में, परम गुरु जी लेकर के उनको गुरु जी के पास में, अपने लास्ट में लेकर के श्री ललिता को श्री रूप गोस्वामी को पास में जाएंगे। इतने में श्री ललिता सखी बोलेगी, भाई ये कहाँ, इसको किसने लाया है? बोले इसने रूप गोस्वामी व रूप मंजरी ने इनको लाए हैं, हैं? ये रूप मंजरी इनको लाए हैं। फिर वो लेकर के रूप मंजरी किसको चरण में? श्री ललिता को चरण में समर्पण करेगी। फिर ललिता क्या करेगी? हम लेकर श्री किशोर जी को चरण में, फिर किशोर जी के अनुगत्य में श्री फिर श्री जुगल सरकार की सेवा की प्राप्त होता है। इसलिए हम गुरु जी के कृपा के बगैर कहीं भी हमारी खैर नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए? सबसे पहले हम श्री गुरु जी की शरण में ही, सबसे पहले हमें गुरु जी की शरण में जानी चाहिए, फिर गुरु जी हमको दे दे ले लेकर के श्री एक दिन जुगल सरकार की सेवा में हमें स्थापन करेंगे। बोले श्री अष्ट सखियों की, बोले श्री राधा कृष्ण की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हमारे परम महाराज अंग्रेजी में बोले हरे कृष्ण। अज्ञान निरांजनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो फ्रॉम द मॉर्निंग वी वेंट थ्री प्लेसेस बट नॉट इन इंग्लिश भाषा, सो लिटिल बिट आई विल ट्राई एट माय बेस्ट टू गिव सम टू इनलाइटन समथिंग ऑफ द प्लेसेस दैट टुडे वी हैव विजिटेड। First, we went to the place of Kaliyodaha, where Krishna Sabdiunda,
Virusas near Kaliyo. And that place is also, we have heard from there, Sridhar Maharaj and Bon Maharaj, nice discourse of these places. One is the story of the Kaliyana and another story of Prabodhananda Saraswati Path. Prabodhananda Saraswati Path is actually in Krishna Lila pastime, he was Tungabhidra, that we have seen here. Vishakha Indulekha Rangadevi Sudevi, Lolita Chitra Champavaletan Tungabhidra. And she was expert in dancing, as Sridhar Maharaj pointing out, Tungabhidra to Nortani. Tungabhidra is expert in dancing. All Sakhis also are dancing, but she is leading the all the group. And there is also another place, there is the bhajan stoli of Prabodhananda Saraswati Path, and also this is the Samadhi place. And apart from something there is the place of Villamangal Thakur. He also came from South India, Krishnabinna, on the bank of the Krishnabinna River. He was staying there. It is a big history. But and he was a good Brahmin family. He has a nice wife. But due to his bad association with Chintamani, so he was side-eye from this real path. But anyway, when on the Sardar ceremony of his father, so he anyway completed and crossed this river, which is totally impossible because the water, the river was full to the brim, and there is no boatman, no goat, nobody can cross this river. This is the because just like the floody area. Yeah, nobody can go in this, in the general consciousness. But as Villamangal was so full of the absorbed with the beauty and association of Chintamani, but he is thinking the dead body as the wooden, dry wood. So he held up this wood and crossed this river, this dead body, corpse. And there how to go up to the this second floor where she is staying, Chintamani. So there is one big snake, a python snake was hanging from the first floor to the second, ground floor. But he was so absorbed in thinking of Chintamani that he was thinking this is the rope. Then he hold this rope and jumped down into her room. Then Chintamani saw, how is it possible in this situation? Because it is raining so much, there is no way to come from his house to here. But how he has come? He asked him, she asked him, how you have come here? Then he told that he have kept for me one rope and also one boat. But how I have kept? I did not keep anything else. Then they get down. Then Villamangal saw there is a dead body. Then he hold tightly and cross the river. And there is no rope but one python snake. Then Chintamani gave the instruction, and this is the point that that the mind of Villamangal was totally changed. That the mind and the heart that you have given to me, but this body is just like this dead body. One day it will be like this. But your mind and your heart, if you give to the spiritual, the Supreme Personality of Godhead, I think your life will be successful that time. Otherwise, you are running behind this dead body life, who has nothing, only made of the flesh and blood, nothing else. Then Villamangal was thinking, I was loving her so much, but she did not love me, like me. Therefore, I have to reject this life, this material life. Then he came out from this place and take shelter one Vaishnava guru, Somo guru by the name. And after taking diksha, he came out from this place. Another, in the afternoon time, some ladies were fetching the water. And he was also being absorbed by the beauty of one lady also. He followed. That time, husband not there. Next day, two or three days after that, husband came. Then wife told that this Vaishnava Thakur waiting for someone else, but he did not speak anything else. Then husband called him and speak with him. Then Villamangal expressed everything what he needs. Then husband allowed his wife for the one night. Then Villamangal's mind now thinking in another way. How I have taken diksha
Chintamani gave me the best lesson in my life. Till my mind, my heart, not being absorbed in the Thakurji service, not thinking of this spiritual life, I was always running behind this material life, this sensuous life, which is totally destructible in our life. Then he brought Anya for me to thorns and told her to bring some water. She went inside and Billa Mongol put these two thorns on his eyes. Then she became blind. Now because these eyes were the main cause of a sensuous life. Because our mind, our senses always running behind this materialistic life. Then he came out from that place and he was trying to go towards the Vrindavan. Then Krishna came asking Vilamal, where you are going? Oh, I am trying to go to Vrindavan. But you are blind. But I don't worry. Anyway, I will go. Okay, I am going. You should hold my stick. Then Krishna extended his stick. And one way, Krishna was holding this stick in another person. Vilamal held this one. Now, Vilamal glorifying Krishna. Krishna's pastimes. And Krishna was listening. As Madhava Maharaj pointed out before, Krishna Kandam Nitam and Radha Rasa Sudha Nidhi. Krishna Kandam Nitam spoken by this Billa Mangal Thakur and Radha Rasa Sudha Nidhi written by Prabhupada Saraswati. This is two books are very important for the Gaudiya Vaishnavas. And anyway, Billa Mangal went there and saw Radha and Krishna divine couple. That time he prayed. As he was blind, but by mercy of Radha Rani, he opened his eyes, he saw Radha Krishna. Again he requested to make me blind again. Why? Because by this eyes I have seen you. Now I don't want to see any material things. That means where our life will be totally absorbed and dedicated towards the service of the divine couple Radha Krishna, Mahaprabhu and Gurudev and Vaishnavas, then not a single material attachment will come in our life. Anything will happen in our life which is dragging us towards the sensuous life. And there, 700 years, Billa Mangal stayed there nearby Kaliyodaho and performed the bhajan. From that place, we came to Madan Mohanji temple. Our Narasimha Maharaj nicely explained. Vrindavan aprakrita novin vadan kam vije kam vaiti kare aradhan. Very nicely explained. So from there, the place that we are sitting in the Madan Mohanji, this is actually new one. Old one that we have to go. And the second time we have Praskandan Tirtha and Dadash Aditya Tilak there. And also Grantha Samadhi of Sanatan Goswami Pad. There are also Samadhi Pit of Sanatan Goswami Pad. Yeah? And niche, downstairs, the Samadhi Temple of Sanatan Goswami Pad. And also one room is there for Chaitanya Mahaprabhu. When Jagadananda Pandit came from Jagannath Puri Dham to here, then Mahaprabhu told, sent a message to Sanatan Goswami Pad that I am coming there very soon. So you should keep room for me. Then Sanatan Goswami built up one room for Mahaprabhu, but Mahaprabhu did not come. And this room till now there for Mahaprabhu, when he will come waiting. And now the place that we have come here, this is a place of Ashtashokhi. Pujavad Maharaj explained that first Krishna was alone in the goal of Vrindavan. But he was thinking, aham ekam bahushyam. What should do if I am alone? I do nothing. Yeah. So from his left side, Radharani appeared. Radharani appeared, what she has done after the appearance. And this is the duty of the devotees, of the Gaudiya Vaishnavas. As soon as she appeared, she did not sit alone or do nothing. What she had done? She ran towards the flowers garden and plucked the flowers, the scented flowers full of the fragrance. And offered as Pushpanjali and the lotus feet of Krishna. First, what Radharani did? That she worshipped Radharani. When we have the same thing we have seen when he was born in Vishobhanupuri, in Braj. Until Krishna comes, Radharani closed her eyes. He could not see, he could not speak, he could not listen, he could not eat. Totally stopped. Why? Because he was waiting for her beloved, for Sri Krishna. When Krishna came,
touch her body, then Radharani opened her eyes and saw Krishna. And that is the our goal. First and foremost goal, that how to serve Krishna, how to become pure Krishna, Krishna consciousness, how to our sarup, the constitutional position, that we are the eternal servant of Krishna. But we are thinking we are the owner of ourselves, we are the owner of this body, we are the owner of these things, material object. But this is our wrong idea. The first and foremost instruction from Bhagavad Gita and from the incidents, that our first duty is to serve Krishna. And here, this is a temple of Astasakhi temple, Vishakha Indulekha Ranga Devi Sudevi. And this Astasakhi, main is the Lolita Devi. When during the, when going to Varsana, we have to go the place of Unchagao, where Lolita Devi's place. Unchagao, there Lolita Devi and the Sakhis performed there so many pastimes. Alta Pahari was there during that time of Varsana. We have to go there. But here, Maharaj mentioned one verse, nice verse. Every year he has to speak, but I cannot remember. Yeah. So, this verse is there. What is the service of this Sakhis? Tambulam Bhakta Lolita. Lolita's service is to offer betel nuts to the Sakhi, Radharani, and also Krishna. When they are performing their conjugal pastimes, when they become tired or thirsty, when they need something, different taste of the tongue, then Lolita Devi is to offer this betel nuts. Vishakam Gandha Chandane. So we have to make singer, Sakhis have to make singer, the Radharani and also Krishna. Then that is the service of Vishakha Devi, that they have to make the sandalwood paste and offer this sandalwood paste to Radha and Krishna on the their foreheads, in decorating like different designs. Yeah. Then Chamore Champakalata. Our Brahmana Pujari used to offer the Chamor to the Radharani or Saraswati Mahaprabhu. This is Chamor, this is a Champalata service in Radha Krishna's pastime. Sudevi Jala Sevaya. The nice water means not like this our water. In our Navadvip, there are two types of filter. One is Ganges water, that is all the filter in our temple. That is sitting in A block. And another simple water coming from tube well, this is all the filter. But the taste of the two waters are different. The general water when filtered, this is more tasty. But when Ganges water filtered, not tasty. But devotees are being attached to drink this Ganges water. Because Ganges water is like the charanamrita of Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Vamandev. Yeah. So every day, this is lucky for the Navadvip people, devotees, but not all the people drinking this filtered Ganges water. So this is the service of Sudevi to offer waters to Radha Krishna. Then Tungabhadra to Nortane, Ragasri Rangadevi. Rangadevi. Rangadevi means in different tunes he has to sing. Yeah, this is the service of Rangadevi. So this is a very nice place that every year we have to come here. We are offering obeisances to the Astasakhi and Radha Krishna so that they can bless us. They can remove our materialistic aspects in our heart and mind, and transcendental qualities will arise in our heart. We pray to the dust of this place. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Next. We are with the Kirtan, we have to go our mat, Sisri, Rukshanathan Gaudiya Mat, and then the lotus feet of Vrinda Devi, Sri Gurudev, and Radha Krishna Divine Couple, and Mahaprabhu. Go, Prabhanande, Hari Hari Bol. Paramhans Maharaj ki jai agar aap ko jai dene chahte hain to like ke taur pe de sakta hai. चल रहा है आपका चल रहा है इधर लंगरवाणी लाइव नहीं चल रहा है
लिए करते हैं। बोला पाके बिहारी लाल की Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Hare
Yeah.
क्योंकि सारे